हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑडियोवर्स री ऑफ द स्ट्रांगेस्ट स्वर्ड गॉड चैप्टर सात सौ इकतालीस टू सात जीरो विंग और फ्लावर ऑफ सेवन सिंस के सदस्यों ने अपनी लड़ाई में प्रवेश किया था फायर डांस वायलिट क्लाउड और एकवा रोज के अलावा उनके टीयर एक सेट उपकरण ने हत्यारों की पार्टी के नेताओं को दबाने के लिए प्रदान की गई विशेषता लाभ पर भरोसा करते हुए अन्य चार पार्टी नेताओं के खिलाफ संघर्ष किया पार्टी के इन नेताओं के उपकरण किसी भी तरह से जीरो विंग के मुख्य बल के सदस्यों से कम नहीं थे इसके अलावा उन्होंने टियर तीन रत्नों का लगभग पूरा सेट पहना था और उनके निडर कौशल अंधेरे की शक्ति से थोड़े अधिक शक्तिशाली थे इसलिए वे आसानी से गुणों में अंतर के लिए तैयार हो गए बुनियादी विशेषताओं में बहुत कम अंतर के साथ भले ही जीरो विन के तीन मुख्य बल सदस्यों ने फ्लावर ऑफ सेवन सिंस पार्टी के नेताओं में से एक पर गिरोह बना लिया वे शक्तिहीन थे दुश्मन ने एक के बाद एक उनके हमलों को बेअसर कर दिया इस बीच अगर वे सावधान नहीं थे और एक हमला हुआ तो वे तुरंत अपने एचपी का एक तिहाई खो देंगे कुछ समय ही बीता था कि वे हार गए उल्लेख नहीं करने के लिए लावा डोमेन भी प्रभाव में था जीरो विन के खिलाड़ियों के एचपी को लगातार कम कर रहा था आश्चर्यजनक रूप से शैडोसोड माइनर वाइंड फ्लाइंग शैडो टर्टल तर्टलडोव कोला और ये बुमियन अपने हत्यारे विरोधियों के साथ झटका के बदले झटका देने में सक्षम थे उनके एचपी और उनके दुश्मन दोनों धीरे धीरे कम हो रहे थे एचपी में एक छोटा सा अंतर उनके झगड़े का परिणाम निर्धारित कर सकता है जीरो विन काफी मजबूत है सात पापों के फूल के इतने सारे विशेषज्ञों का सामना करने के बावजूद वे अब भी इतनी क्रूरता से लड़ते हैं अगर यह कोई और टीम होती तो फ्लावर ऑफ सेवन सिंस ने उन्हें अब तक हरा दिया होता दूर से लड़ाई देखने वाले युवा टाइगसिन ने थोड़े आश्चर्य में कहा दुर्भाग्य से जीरो विंग अभी भी आग की लपटों में ऊपर जाएगा वर्तमान में जीरो विंग के ऊपरी क्षेत्रों में से कुछ ने अपनी ज़मीन पर कब्जा कर लिया था यह केवल कुछ समय पहले की बात थी जब अन्य हार गए थे यदि लड़ाई लंबी खींचती है तो मुख्य बल के साधारण सदस्य गिर जाते हैं उस समय हत्यारे जीरो विंग के ऊपरी क्षेत्रों को घेर सकते थे जैसा कि उनके पास पहले से ही अपने मौजूदा विरोधियों से भरा हुआ था एक बार में अधिक सामना करना घातक होगा अन्य गुप्त मंडप के सदस्यों ने सहमति में सिर हिलाया हालांकि उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि जीरो विंग का मुख्य बल वास्तव में प्रभावशाली था यदि वे जीरो विंग की जगह होते तो लड़ाई बहुत जल्दी खत्म हो जाती शोधन क्षेत्र के विशेषज्ञ इस तरह की उच्च गति की लड़ाइयों में फुर्ती से अपने कार्यों को बदल सकते हैं हालांकि सामान्य विशेषज्ञ नहीं कर सके झुलसे हुए युद्ध के मैदान पर हालांकि जीरो विंग के मुख्य बल के सदस्यों और फ्लावर ऑफ सेवन सिंस के हत्यारों के बीच लड़ाई रोमांचक थी गुप्त मंडप के सदस्यों ने अथर्व की लड़ाई पर ध्यान केंद्रित किया आखिर वनहिट असुर का खिताब सिर्फ दिखावे के लिए नहीं था अपनी वर्तमान प्रतिष्ठा अर्जित करने के लिए अथर्व ने कई विशेषज्ञों की हत्या की थी हालांकि इस युद्ध में अथर्व का विरोधी उससे भी अधिक असाधारण था उसने हत्यारों के नेता का मुकाबला किया यह वास्तव में एक दुर्लभ दृश्य था सात पापों के फूल ने आपको इस बार मिशन का नेतृत्व करने के लिए भेजा है अथर्व ने तलवारें म्यान से बाहर निकालते हुए पूछा वह पूरी तरह से उसके सामने चांदी के लबादे वाले आदमी पर केंद्रित था हालांकि चांदी के वस्त्र वाले व्यक्ति ने अभी तक हमला नहीं किया था फिर भी उसने जिस ठंडी हत्या के इरादे को विकीर्ण किया उसने अथर्व को अनैच्छिक रूप से झकझोर कर रख दिया अथर्व को लगा जैसे उसकी जान निकल रही हो ऐसा लगा जैसे वह किसी राक्षसी जानवर के घोंसले के बीच में खड़ा हो इसके अलावा चांदी के वस्त्र पहने व्यक्ति का स्तर और उपकरण की गुणवत्ता बहुत अधिक थी वह आदमी न केवल एक स्तर पैंतीस बिरसे था बल्कि उसका उपकरण डार्क गोल्ड सेट इक्विपमेंट भी था जो बरसरकस विंडफ्रॉस्ट सेट के लिए था विंडफ्रॉस्ट सेट ने गति और शक्ति पर ध्यान केंद्रित किया यह लेवल तीस से लेवल चालीस के उपकरण थे यह एक डार्क गोल्ड सेट था जिसे पहनने वाले के स्तर में सुधार हो सकता था यह टियर एक सेट उपकरण के बाद केवल दूसरा था जहां तक आदमी के हाथों में बर्फस्फेद भाले की बात है हालांकि अथर्व ने इसे पहले कभी नहीं देखा था रनों और हथियारों की भव्यता को देखते हुए यह कम से कम एक शीर्ष स्तरीय डार्क गोल्ड वेपन होना चाहिए यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आप जानने के योग्य हैं या नहीं चांदी के वस्त्र वाले व्यक्ति ने अपना भाला लहराते हुए डाटा अचानक ऐसा लगा कि उसका भाला पांच जहरीले सांपों में बदल गया है जो अथर्व की ओर जा रहे हैं एक भाला पांच परिवर्तन हालांकि भाले की केवल पांच छवियां थीं ये छवियां हमले के प्रक्षेप वक्र जटिल और विविध दोनों थीं यहां तक कि अधेड़ उम्र का व्यक्ति भी हमलों की भविष्यवाणी नहीं कर सकता था हमले के प्रक्षेप वक्र का उल्लेख करना तो दूर की बात है यह देखकर अथर्व अचानक पीछे हट गया डांग स्वर्ण समयन और बेस्कर के बीच चिंगारी बिखरी हुई है इतना तेज भाला अथर्व अपने आश्चर्य को कम नहीं कर सका जैसे ही उसने हमलों को देखा पीछे हटने के बावजूद भाले के पांच चित्र तुरंत उसके सामने प्रकट हो गए जब तक उसने प्रतिक्रिया की तब तक उसने अपनी तलवारों से भाले की दो छवियों को हटा दिया था अन्य तीन भालों को अवरुद्ध करने में बहुत देर हो चुकी थी उसके पास भाले को रोकने के लिए रक्षात्मक ब्लेड को सक्रिय करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था अन्यथा अंधेरे की शक्ति को सक्रिय करने के बाद उसकी विशेषताओं के साथ हालांकि शेष भाले की छवियां उसे तुरंत नहीं मारेंगी वे उसके एचपी के एक तिहाई हिस्से को नष्ट कर देंगी पिछली झड़प के कारण अथर्व को एक सामान्य समझ प्राप्त हो गई थी कि चांदी के वस्त्र वाला व्यक्ति कितना शक्तिशाली था इसलिए वह आदमी के नुकसान की भविष्यवाणी कर सकता था आपने वास्तव में मेरे वन स्पियर फाइव ट्रांसफॉर्मेशन से परहेज किया आप मेरे लिए आपको गंभीरता से लेने के योग्य हैं चांदी के लबादे वाला आदमी मुस्कुराया अचानक उसने एक और हमला किया इस बार भाले के छह चित्र अथर्व की ओर उड़े यह हमला भी पिछले से काफी तेज था जब तक अथर्व प्रतिक्रिया कर पाता भाले के छह चित्र उसके सामने प्रकट हो गए सावधानी बरतने के बावजूद छह में से तीन तस्वीरें अथर्व को लगीं सौभाग्य से रक्षात्मक ब्लेड ने अन्य तीन को अवरुद्ध कर दिया उसके हमले इतने तेज कैसे हैं अथर्व अपने प्रतिद्वंद्वी के भाले पर नज़र डालते ही अपने आश्चर्य को रोक नहीं सका उसने स्पष्ट रूप से आदमी के सामान्य लक्ष्यों की भविष्यवाणी की थी फिर भी जब तक उसने अपना बचाव किया तब तक भाले की छह छवियां उसके सामने आ चुकी थीं ऐसा लगभग ऐसा लग रहा था जैसे छवियों को टेलीपोर्ट किया गया हो हमलों के प्रक्षेप वक्र की भविष्यवाणी करने के बावजूद उसका शरीर हत्यारे की गति के साथ नहीं रह सका यह पहली बार था जब अथर्व को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा था तार्किक रूप से वह चांदी के वस्त्र वाले आदमी की तुलना में बहुत तेज होना चाहिए फिर भी आदमी का भाला ऐसे चलता था मानो उसमें तात्कालिक गति हो भले ही वह तेज हो वह चांदी के लबादे वाले व्यक्ति के भाले के हमलों से बच नहीं सकता था कोई अन्य विकल्प नहीं होने पर अथर्व ने एबिसल बिंद का इस्तेमाल किया चार सेकंड के बंधन ने उसे चांदी के वस्त्र वाले व्यक्ति को कई बार मारने के लिए काफी समय दिया हालांकि जैसे ही पिचकाली जंजीरें जमीन से उभरी चांदी के लबादे वाले आदमी ने बारगौड़ के रेडियंस को सक्रिय कर दिया उसके शरीर से एक चमकदार रोशनी चमक रही थी क्योंकि वह सभी नियंत्रण प्रभावों के प्रति प्रतिरक्षित हो गया था इसके तुरंत बाद अथर्व के सामने छह और भाले के चित्र दिखाई दिए जो उसे चोट पहुंचा रहे थे इस बार रक्षात्मक ब्लेड की ब्लॉक संख्या समाप्त हो गई थी दूर से देख रहे सीक्रेट पवेलियन के सदस्य अवाक रह गए चांदी के वस्त्र पहने व्यक्ति के भाले के वार बहुत तेज थे हमले पूरी तरह से सिस्टम द्वारा परिभाषित गति को पार कर गए थे ऐसे हमलों को कोई कैसे चकमा दे सकता था उस आदमी के हमले इतने तेज कैसे हैं गुप्त मंडप की नई पीढ़ी के शीर्ष प्रतिभाशाली होने के बावजूद भयंकर युद्ध को देखते हुए कोल्ड ऑटम चौंक गया अगर उसे चांदी के वस्त्र वाले व्यक्ति के हमलों को रोकना होता तो सबसे अधिक संभावना है कि युद्ध शुरू होने के तुरंत बाद उसकी मृत्यु हो जाती केवल ब्लैक फ्लेम अपनी तेज तर्रार तलवारबाजी के साथ उन दो या तीन भाले के हमलों से बचाव करने में मुश्किल से सक्षम था कोई और होता तो अब तक कई बार मर चुका होता शरद अब आप समझ गए हैं कि मैं आप सभी को इस लड़ाई को देखने के लिए यहां क्यों लाया हूं है ना युवान टाइक्सिन ने हंसते हुए पूछा आप जिन शीर्ष विशेषज्ञों को जानते हैं वे केवल नाम मात्र के हैं यह वर्चुअल गेमिंग की दुनिया का एक सच्चा शीर्ष विशेषज्ञ है हालांकि ब्लैक फ्लेम का प्रदर्शन उतना ही प्रभावशाली है वन वंस्पियर ट्रांसफॉर्मेशन यह मनुष्य की विशेष तकनीक है इस कदम के खिलाफ अनगिनत जाने माने विशेषज्ञ मारे गए हैं मैं उन विशेषज्ञों की संख्या गिन सकता हूं जो एक तरफ बहते पानी के दायरे में दो या तीन हमलों को रोक सकते हैं अब जब ब्लैक फ्लेम ने अपने सभी लाइफ सेविंग स्किल्स का इस्तेमाल कर लिया है तो यह लड़ाई बहुत जल्दी खत्म हो जानी चाहिए चांदी के लबादे वाले आदमी ने एक बार फिर एक भाला छह परिवर्तन किए हालांकि अथर्व ने अचानक अपनी आंखें बंद कर लीं उसने कुछ भी नहीं देखा क्योंकि उसने हत्यारे को हमला करने की अनुमति दी थी क्या वह पहले ही हार मान सकता था अचानक हुए इस घटनाक्रम ने देखने वालों को झकझोर कर रख दिया भाले के इतनी तेजी से चलने के साथ अगर अथर्व चांदी के वस्त्र वाले व्यक्ति के कार्यों की भविष्यवाणी करने के लिए अपनी दृष्टि पर भरोसा नहीं करता तो वह भाले के हमलों से कैसे बचाव कर सकता था ऐसा लगता है कि लड़ाई खत्म हो गई है कोल्ड ऑटम ने अपना सिर हिलाते हुए कहा छह भाले के चित्र अथर्व के शरीर में चुभ गए हालांकि जैसे ही अथर्व के शरीर में छह भाले के चित्र लगे एक और अथर्व चांदी के वस्त्र वाले व्यक्ति के पास दिखाई दिया इसी दूसरे अथर्व ने अपना रसातल ब्लेड नीचे झुका दिया डांग धातु से टकराते हुए धातु का स्पष्ट वलय पूरे युद्ध क्षेत्र में गूँद उठा चांदी के वस्त्र पहने व्यक्ति को खुद को स्थिर करने से पहले तीन कदम पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा आपने वास्तव में उन सभी को चकमा दिया चांदी के वस्त्र पहने व्यक्ति के चेहरे पर सदमा दिखाई दिया क्योंकि उसने अशक्त अथर्व को अविश्वास से देखा अथर्व द्वारा चांदी के वस्त्र वाले व्यक्ति के वनभाले छह परिवर्तनों से अचानक बचने से गुप्त मंडप के सदस्य अवाक रह गए उस पुरुष ने यह कैसे किया ठंडी शरत की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने अथर्व को देखा जो अभी भी अपनी आंखें बंद किए हुए था अथर्व ने उस देवतुल्य भाले को टाल दिया था जिसे खुली आंखों से आंखें बंद करके चकमा देना असंभव था यह बिल्कुल अकल्पनीय था युआन टाइक्सिन भी इसी तरह स्तब्ध थी ब्लैक फ्लेम वास्तव में आश्चर्यजनक है मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह इतनी जल्दी स्काईज वन स्पीयर सिक्स ट्रांसफॉर्मेशन को देखेगा युआन टाइक्सिन ने कहा वर्षों पहले मुझे स्काई के वन स्पीयर सिक्स ट्रांसफॉर्मेशन के खिलाफ कई नुकसान हुए फिर भी ब्लैक फ्लेम ने केवल कुछ हमलों के बाद इसे देखा था क्या वह राक्षस हो सकता है स्काई नाम का चांदी के वस्त्र वाला व्यक्ति फ्लावर ऑफ सेवन सिंस के वयोवृद्ध हत्यारों में से एक था सुपर गिर्स के कई शीर्ष स्तरीय विशेषज्ञों को स्काई के हाथों काफी नुकसान उठाना पड़ा था आकाश ने शून्य क्षेत्र में कदम रखने वाले कई विशेषज्ञों को भी मार डाला था शून्य क्षेत्र में केवल वे लोग जो अपनी पांच इंद्रियों को अपनी सीमा तक लगा सकते थे और अपने परिवेश पर अल्पविकसित नियंत्रण रखते थे एक भाला छह परिवर्तनों को अवरुद्ध करने की क्षमता रखते थे यहां तक कि युवान टाइक्सिन ने दो हथियारों के साथ वन स्पियर सिक्स ट्रांसफॉर्मेशन से बचाव के लिए संघर्ष किया वह ज्यादा से ज्यादा चार या पांच स्ट्राइक ब्लॉक कर सकता था हालांकि वह एक शीर्ड योद्धा था इसलिए उसके पास ढाल के साथ भाले के हमलों से बचाव करने का बहुत आसान समय था केवल उसे स्काई पर बंद होने में अधिक कठिन समय होगा बेशक खेल में कई कौशल थे जैसे कि विस्तृत श्रेणी के हमले जो इस तरह के सटीक हमलों को बेअसर कर सकते थे कोई खुद को स्काई से दूर भी कर सकता था आखिरकार एक बरसरकर की आक्रमण सीमा केवल इतनी दूर थी यहां तक कि एक लंबा भाला भी किसी की आक्रमण सीमा को बहुत अधिक नहीं बढ़ाएगा हालांकि इस तरह की हाई स्पीड लड़ाई के क्लोज क्वार्टर में लाइफ सेविंग स्किल्स के अलावा जिसे एक विचार के साथ सक्रिय किया जा सकता है स्किल्स के साथ स्काई के हमलों से बचाव करना असंभव था कौशल को सक्रियण से पहले आमतौर पर विशिष्ट गतियों की आवश्यकता होती है इससे विशेषज्ञ खिलाड़ियों में असामंजस्य की भावना पैदा होगी स्किल्स का उपयोग करने वाले उनके हमले उनके सामान्य हमलों की तरह तेज और स्वाभाविक नहीं होंगे इसलिए यह उन कमजोर बिंदुओं को प्रकट करेगा जो उनके पास सामान्य रूप से नहीं थे ठीक यही कारण था कि शोधन क्षेत्र या उससे ऊपर के विशेषज्ञ शायद ही कभी अन्य खिलाड़ियों के खिलाफ करीबी मुकाबले में कौशल का इस्तेमाल करते थे क्योंकि यह अत्यधिक संभव था कि एक कमज़ोरी उनके कयामत का कारण बनेगी अथर्व को अभी शून्य लोक में पहुंचना था हालांकि बिना किसी कौशल का उपयोग किए वह अभी भी स्काई के वन वंसपियर सिक्स ट्रांसफॉर्मेशन को बेसर करने में कामयाब रहा यह पहली बार था जब युवान टाइक्सिन ने इस तरह की घटना देखी थी इस बीच युद्ध के मैदान में स्काई ने अपने थोड़े हैरान दिल को शांत करने के बाद उसकी आंखों में लड़ाई की भावना भड़क गई उन्होंने एक बार फिर से एक भाला छह रूपांतरणों को अंजाम देना शुरू किया स्काई ने लगातार कई बार अपनी खास तकनीक को अंजाम दिया फिर भी अथर्व ने अपनी आंखें बंद करके अपने सभी हमलों को चकमा दिया और हर बार जवाबी हमला किया प्रारंभ में अथर्व ने अपने पलटवारों के दौरान केवल एक हिट प्राप्त की थी अब वह दो हिट उतरा हालांकि आकाश ने अथर्व द्वारा भेजे गए हर हमले को रोक दिया था लेकिन उसे बहुत नुकसान हुआ था अथर्व के प्रत्येक हमले में पांच से अधिक क्षति हुई थी अथर्व की ताकत हैरान करने वाली थी गॉड्स डोमेन में हथियारों के टकराने के परिणामस्वरूप होने वाले प्रभाव से नुकसान की भरपाई हो जाएगी हालांकि अगर लड़ाकों की ताकत के बीच कोई महत्वपूर्ण अंतर होता तो कुछ नुकसान होता हालांकि यह क्षति आमतौर पर इतनी कम थी कि यह लगभग नगण्य थी यदि लड़ाकों की ताकत में अंतर काफी बड़ा था तो कमज़ोर पक्ष को महत्वपूर्ण नुकसान होगा भले ही उन्होंने हमले को सफलतापूर्वक रोक दिया हो स्काई ने ब्लैक फ्लेम के खिलाफ पहली बार इसका अनुभव किया गॉड्स डोमेन में खिलाड़ियों के बीच उनके उपकरण पहले से ही मौजूदा शिखर पर पहुंच गए थे वह एक बरसरकर भी था जो अपनी ताकत के लिए प्रसिद्ध वर्ग था उसने जिस बेरसक स्किल को एक्टिवेट किया था वह स्ट्रेंथ टाइप बेरसक स्किल भी थी फिर भी अथर्व की ताकत अभी भी अपने से कहीं अधिक थी यह पहली बार था जब आकाश को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा था स्ट्रेंथ एट्रीब्यूट के संदर्भ में भगवान के डोमेन में वे राक्षस जैसे खिलाड़ी भी उसे इस तरह से अभिभूत नहीं कर सके अब ऐसा नहीं लगा कि वह किसी दूसरे खिलाड़ी से लड़े इसके बजाय ऐसा महसूस हुआ कि उसने एक मानवीय भगवान रैंक वाले राक्षस से लड़ाई की केवल हमलों से बचाव करके उसे 500 से अधिक क्षति हुई अपने बरसर्क स्केल को सक्रिय करने के बाद उनका एचपी केवल उन्नीस हजार से थोड़ा अधिक था अथर्व के हमलों के खिलाफ वह जितनी बार बचाव कर सकता था उसकी सीमा थी हालांकि आकाश ने अथर्व के हमलों को चकमा देने के लिए पूरी कोशिश की लेकिन उसने पाया कि वह उनमें से किसी को भी चकमा नहीं दे सका अपने परिवेश पर अपेक्षाकृत शक्तिशाली नियंत्रण होने के बावजूद अथर्व के हमले बहुत तेज थे भले ही वह अथर्व के हमले के पथ का अनुमान लगा सकता था लेकिन वह मुश्किल से अपना बचाव कर सका तुम सच में कमाल हो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि सिल्वर ने भी आप पर ध्यान क्यों दिया है अथर्व को घूरते हुए आकाश ने धीमी आवाज में कहा मेरा इरादा इस कार्ड को सिल्वर को चुनौती देने के लिए बचाने का था लेकिन ऐसा लगता है कि मेरे पास इसे आप पर आजमाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है इतना कहते ही आकाश का भाला निकल पड़ा और भाले के नौ चित्र बन गए एक भाला नौ की जान फिलहाल यह स्काई की क्षमताओं की सीमा थी न केवल इस चाल में वं स्पियर सिक्स ट्रांसफॉर्मेशन की तुलना में अधिक रेंज थी बल्कि यह बहुत तेज भी थी इस बार अथर्व ने आंखें खोली अथर्व भालों के स्वागत के लिए पीछे हटने के बजाय नौ भालाचित्रों के अचानक आ जाने का सामना करते हुए आगे बढ़ा दूर से देखने वाले युआन टाइक्सिन ने सोचा कि अथर्व अपना दिमाग खो चुका है खिलाड़ी जो इसके बारे में जानते थे पहले से ही प्लेग की तरह वन स्पियर सिक्स ट्रांसफॉर्मेशन से बचते थे दूसरी ओर वन स्पियर नाइन ने युवान टाइक्सिन की रीढ़ को भी ठंडक पहुंचाई यहां तक कि अगर वह समय पर अपनी ढाल उठा सकता है तो सबसे अधिक संभावना है कि भाले की छवियां उसे मारेंगी फिर भी अथर्व ने भालों के स्वागत की पहल की थी क्या स्काई के वन वंस्पियर सिक्स ट्रांसफॉर्मेशन को बेसर करने की उनकी सफलता ने उन्हें अति आत्मविश्वास से भर दिया हालांकि चूंकि युवान टाइक्सिन अथर्व से बहुत दूर खड़ा था उसने अथर्व के शरीर के चारों ओर बिजली के हल्के नीले रंग के आर्क को नहीं देखा यह कदम कोई और नहीं बल्कि किलिंगरे का दूसरा कौशल थंडर गॉड्स डेसेंट था थंडर गॉड्स डेसेंट सभी नियंत्रण कौशल आंदोलन की गति और हमले की गति में 150 परसेंट की वृद्धि क्षति में 50 परसेंट की वृद्धि और सभी क्षति को 30 सेकंड के लिए 50 परसेंट तक कम करने के लिए प्रतिरक्षा बने कुलडाउन एक घंटा अगले ही पल कई नीली बत्तियां चमक उठी अथर्व के करीब आते ही रोशनी ने भाले की छवियों को विक्षेपित कर दिया एक बाहरी व्यक्ति के दृष्टिकोण से ऐसा लग रहा था जैसे भाले के चित्र अथर्व से बच गए हों एक तेज आंधी की तरह अथर्व ने भाले की नौ छवियों को पार किया और आकाश को पार कर गया इतनी तेजी से किलिंगरे आकाश के शरीर में प्रवेश कर गया यह सब एक झटके में हुआ था इससे पहले कि आकाश कुछ समझ पाता उसके शरीर से खून के झरने फूट पड़े उसका एचपी तेजी से गिरा पलक झपकते ही उसका उन्नीस हजार से अधिक एचपी शून्य हो गया जमीन पर गिरते ही आकाश का शरीर थर्रा उठा यह अथर्व के अचानक हमले ने आकाश को मार डाला था जिसने भी देखा उसे चौंका दिया एक पल के लिए केवल सन्नाटा पीछे चला गया अभी क्या हुआ उसने नौ भाले की छवियों को कैसे अवरुद्ध किया आकाश मर गया गुप्त मंडप की भीड़ के मन में प्रश्न भर गए इस समय अथर्व पर अपना ध्यान केंद्रित करने के बावजूद उन्होंने केवल अथर्व को गायब होते और फिर से प्रकट होते देखा था आकाश के ज़मीन पर गिरने से पहले उन्होंने अथर्व को अपनी तलवार खींचते हुए नहीं देखा था उनमें से कोई भी ठीक ठीक नहीं जानता था कि अभी अभी क्या हुआ था अथर्व ने कुछ देर पहले ही आकाश के ख़िलाफ़ स्पष्ट रूप से एक कड़वी लड़ाई छेड़ दी थी फिर भी कुछ आदान प्रदान के बाद अथर्व ने स्काई की विशेष तकनीक को देखा और बेअसर कर दिया उसने एक ही चाल से आकाश की जान भी ले ली यह परिवर्तन बहुत तेजी से हुआ था यह अविश्वसनीय था अंकल युआन क्या आप जानते हैं कि अभी क्या हुआ ब्लैक फ्लेम ने क्या किया कोल्ड ऑटम ने खून से सनी आंखों से व्यावहारिक रूप से अपना प्रश्न चिल्लाते हुए पूछा हालांकि उसके पास खड़े होकर युआन टाइक्सिन का चेहरा उतना ही चौड़ा था जिसमें उसका अपना भ्रम था युआन टाइक्सिन की नज़र में हालांकि अथर्व निश्चित रूप से मजबूत था फिर भी उसका कोई मुकाबला नहीं था हालांकि तलवारबाज के अचानक प्रदर्शन ने उसे वास्तव में स्तब्ध कर दिया था यदि युआन टाइक्सिन ने स्काई के वन स्पीयर सिक्स ट्रांसफॉर्मेशन का सामना किया तो वह विजयी होने के बारे में केवल पचास निश्चित था हालांकि वन स्पीयर के खिलाफ नाइन किस स्काई ने अभी अभी प्रदर्शित किया था युआन टाइक्सिन को नहीं लगा कि उसके पास जीत का कोई मौका है फिर भी वन स्पीयर नाइन केस का उपयोग करने के बाद भी अथर्व की एकल हड़ताल के बाद आकाश की मृत्यु हो गई अथर्व के चले जाने से लेकर तलवार चलाने तक सब कुछ बहुत जल्दी हो गया था इसके अलावा उनके बीच की दूरी के कारण युआन टाइकसिन को एहसास होने से पहले कि क्या हुआ था लड़ाई समाप्त हो गई थी क्या आप में से किसी ने इस लड़ाई को रिकॉर्ड किया है युआन टाइकसिन ने अपने पीछे कई लोगों से पूछा वे गुप्त मंडप के गुप्तचर विभाग के कर्मचारी थे उनके पास जो मैजिक मिरर था वह गॉड्स डोमेन का एक जादुई उपकरण था जो एक निश्चित सीमा के भीतर दृश्यों को रिकॉर्ड कर सकता था कोई भी व्यक्ति विभिन्न प्रमुख शहरों की दुकानों से मैजिक मिरर खरीद सकता है हालांकि वे बेहद महंगे थे एक बेसिक मैजिक मिरर की कीमत तीन गोल्ड है हालांकि एक बेसिक मैजिक मिरर दो घंटे के लिए चार हज़ार गज़ की सीमा में एक सौ एक सौ गज का क्षेत्र रिकॉर्ड कर सकता है यह आइटम विभिन्न बड़े संघों को आसानी से कुछ लड़ाइयों का रिकॉर्ड रखने की अनुमति दे सकता है उनके जैसे खिलाड़ियों के लिए इस तरह की लड़ाइयों में घसीटना विशेष रूप से आसान था इसलिए उन्हें लड़ाई से एक निश्चित दूरी बनाए रखने की जरूरत थी हालांकि वे लड़ाई देखने के लिए दूरबीन का उपयोग कर सकते थे लेकिन वे वस्तुएं लड़ाई को रिकॉर्ड नहीं कर सकती थीं इसलिए मैजिक मिरर जानकारी इकट्ठा करने का सबसे अच्छा साधन था आवश्यक डेटा एकत्र करने के बाद जानकारी पर विस्तार से शोध किया जा सकता है सिस्टम के रिकॉर्डिंग फंक्शन की तुलना में यह बहुत आसान था हमें सब कुछ मिल गया खुफ़िया एजेंटों ने जवाब में सिर हिलाया अच्छा एक प्रति बनाओ और मुझे बाद में भेजो गिड लीडर को भी एक प्रति भेजें युआन टाइकसिन ने गंभीरता से आदेश दिया उनके जैसे विशेषज्ञ के लिए अथर्व और स्थाई के मानकों के खिलाड़ियों के बीच लड़ाई देखने से ज्यादा आकर्षक कुछ नहीं था इसके अलावा अथर्व का प्रदर्शन भी शानदार था इस समय युआन टाइकसिन जीरो विंग में गुप्त मंडप के बीच संबंधों पर पुनर्विचार करने से खुद को रोक नहीं सका हालांकि इस निर्णय के लिए युद्ध समाप्त होने तक प्रतीक्षा करनी होगी सीक्रेट पवेलियन के सदस्यों ने जो आश्चर्य महसूस किया था उसकी तुलना में फ्लावर ऑफ सेवन सिंस के हथियारों को बज्रपात हुआ हालांकि स्काई उनके ऊपरी सोपानों में से एक नहीं था लेकिन संगठन के भीतर उसकी प्रसिद्धि शानदार थी उनके बारे में लगभग सभी ने सुना था इसके अलावा संगठन में कई शून्य दायरे के विशेषज्ञों में स्काई एकमात्र विशेषज्ञ था जो चांदी का सामना करने में सक्षम था फिर भी ब्लैक फ्लेम जो थोड़ा ही प्रसिद्ध था उसने स्काई को मार डाला था यह चींटी को शेर को हराते हुए देखने जैसा था यह अकल्पनीय था गिड लीडर जब फायर डांस ने हत्यारे प्लियस को जमते देखा तो उसने हत्यारे की टकटकी का पीछा किया तुरंत उसे पता चला कि अथर्व ने हत्यारों की टीम के नेता का दावा किया था और अनजाने में उसके अंदर शक्ति आ गई फायर डांस इस तरह प्रतिक्रिया देने वाला अकेला नहीं था जीरो विंग के मुख्य बल के सभी लोगों ने भी अपने शरीर में शक्ति प्रवाह महसूस किया जब उन्होंने बिरस्कर को जमीन पर देखा हालांकि जीरो विंग के मुख्य बल ने एक दर्जन से अधिक सदस्यों को खो दिया था लेकिन इस एक मौत का प्रभाव इतना अधिक था कि फ्लावर ऑफ सेवन सिंस पार्टी के तीन या चार नेताओं की मौत हो गई क्या सात पापों का फूल कभी किसी कार्य में विफल नहीं हुआ था अंत में क्या उनका सबसे मजबूत तीन लीडर अभी भी उनके गिल्ड लीडर की तलवार के नीचे नहीं मरा था आकाश की मृत्यु के कारण भी लावा जायंट गायब हो गया लावा जायंट के बिना लावा डोमेन भी गायब हो गया पलक झपकते ही जीरो विंग से सभी पर से दमन उठ गया उनके गुण अचानक बढ़ गए दूसरी ओर नाइनस्टार पोलर डोमेन ने अभी भी फ्लावर ऑफ सेवन सिंस के हथियारों को दबा दिया धत्तेरी की आकाश वास्तव में इतनी जल्दी मर गया फायर डांस की ओर मुड़ते ही प्लिएट्स की भौहें तन गई जिसकी विशेषताओं को बहाल कर दिया गया था उसने अपना पूर्व संयम खो दिया प्रारंभ में फायर डांस में पहले से ही उच्च गुण थे उसने अपने सटीक निर्णय पर भरोसा करके केवल फायर डांस के हमलों का सामना किया था अब जबकि फायर डांस ने अपने गुणों को पुनः प्राप्त कर लिया था जबकि वह अभी भी बाधित था महिला के हमलों को चकमा देना और रोकना कहीं अधिक कठिन हो गया था चाहे वह प्लिएडेस हो या सात पापों के फूल के अन्य सदस्य वे सभी लड़ते हुए मुस्कराये थे क्या तुम्हें अभी अभी मुझे पीटने में मजा नहीं आया शेडोसोर्ड जिसके पास आधे से भी कम एचपी शेष था ने रिफाइनमेंट रियन लेवल चौंतीस गार्जियन नाइट में मुस्कुराते हुए कहा उसके होंठ मुस्कराते हुए शेडोसोर्ड ने कहा अब मेरी बारी है ऐसा कहते हुए शेडो स्वॉर्ड ने ब्लूफायर दोधारी तलवार को हिंसक रूप से घुमाया और बवंडर स्लैश को अंजाम दिया वह किसी भी कमज़ोर बिंदु को उजागर करने से जरा भी नहीं डरते थे पूर्ण शक्ति और गति के खिलाफ शैडोस्वॉर्ड के बवंडर स्लैश के खिलाफ बचाव के लिए अपनी ढाल का उपयोग करने वाले स्तर चौंतीस गार्जियन नाइट के बावजूद प्रभाव ने उसे छह कदम पीछे हटने के लिए मजबूर किया उसके सिर के ऊपर आठ से अधिक अंक की क्षति दिखाई दी वहां एक सेकंड के लिए वह लगभग अपना संतुलन खो चुका था शेडोस्वार्ड ने तुरंत हिंसक स्लैश की एक श्रृंखला का अनुसरण किया स्वॉर्ड के तेज बैराज का सामना करते हुए गार्जियन नाइट के पास अपनी ढाल उठाने और अपना बचाव करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था हालांकि हर बार स्वॉर्ड ने उनकी ढाल पर प्रहार किया उन्हें 200 से अधिक क्षति हुई उनके शरीर को एक के बाद एक कदम पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा उसके पास पलटवार करने का कोई मौका नहीं था वायलेट क्लाउड की तरफ एस्ट्रोमेंसर अंत उत्तोलन लागू करने में सक्षम था स्टार के मार्गदर्शन को सक्रिय करते हुए उसने लेवल चौंतीस बरसरकर पार्टी के नेता को भेजा जिसने उसका पीछा किया उड़ते हुए इसके तुरंत बाद उसने अपने मैना बॉल्स से हमला किया उनके चारों ओर हवा में तीस मन गेंदे दिखाई दी हालांकि यह हमला उन छत्तीस मन बॉल्स जितना मजबूत नहीं था जिसे वह हंड्रेड बेरी वाइन पीने के बाद बुलवा सकती थी वायलेट क्लाउड तीस मन बॉल्स को बहुत अधिक सटीकता के साथ नियंत्रित करने में सक्षम थी इसके अलावा उसके बरामद गुणों के कारण उसके मन बॉल्स का बल भी काफी बढ़ गया था बरसरकर पार्टी के नेता को हर मन बॉल को ब्लॉक करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ती थी अन्यथा बॉल्स उसे वापस दस्तक देगी और और भी कमजोर बिंदुओं को प्रकट करेगी हालांकि तीस मन बॉल्स की भारी शक्ति के खिलाफ बरसरकर पार्टी के नेता कभी कभी दो या तीन मन बॉल्स को याद करते हैं लगभग पांच से छह क्षति प्राप्त करते हैं जीरो विंग की विशेषताओं के दमन के बिना लड़ाई तुरंत जीरो विंग के पक्ष में बदल गई जबकि फ्लावर ऑफ सेवन सिंस पूरी तरह से नुकसान में थे स्काई को मारने के बाद अथर्व उस लूट को उठाने के लिए नहीं रुका जिसे बिरस्कर ने गिरा दिया था इसके बजाय वह घूमा और सेवन सिंस पार्टी के नेता के लिए धराशायी हो गया जिसने जीरो विंग के लिए सबसे बड़ा खतरा पैदा कर दिया पार्टी के ये सभी नेता बहते पानी के दायरे के विशेषज्ञ थे यहां तक कि अगर जीरो विंग के मुख्य बल के सदस्यों ने अपनी विशेषताओं को पुनः प्राप्त किया तब भी पार्टी के नेता एक बड़ा खतरा थे अथर्व के गुणों के ठीक होने के बाद थंडर गॉड्स डेसेंट अभी भी सक्रिय होने के कारण वह बहुत तेज़ हो गया हालांकि वह उतना तेज नहीं था जितना कि जब उसने स्काई को मारा था उसकी गति सिंस पार्टी के नेताओं से निपटने के लिए पर्याप्त थी पार्टी के एक नेता के पीछे आने के बाद अथर्व ने अपने किलिंगरे के साथ चोप को मार डाला नीली रोशनी की एक लकीर चमक उठी पंद्रह चार सौ पचासी शेड वॉरियर पार्टी के नेता पर एक खूनी निशान दिखाई दिया केवल इसी क्षण अथर्व के प्रक्षेप वक्र में शील्ड योद्धा की ढाल दिखाई दी द शील्ड वॉरियर अथर्व की तुलना में बड़े अंतर से धीमा था अचानक पार्टी नेता जिनके पास लगभग ग्यारह हज़ार एचपी शेष थे जमीन पर गिर गए पर्यवेक्षक एक बार फिर अवाक रह गए अथर्व का हमला बहुत तेज था दूर से देखने पर उन्होंने केवल नीली रोशनी की एक चमक देखी थी इससे पहले कि वह अपने प्रतिद्वंद्वी पर वार करता उन्होंने उसकी तलवार का प्रतिबिंब भी नहीं देखा था ऐसे हमले के खिलाफ किसी को कैसे बचाव करना चाहिए था थोड़े ही क्षण के बाद अथर्व के हाथों सात पापों के फूल के साथ पार्टी नेताओं में से चार की मृत्यु हो गई थी फायर डांस वायलेट क्लाउड और एकवा रोज ने अंतिम तीन का ख्याल रखा अंत में जीरो विन ने हथियारों को सात पापों के फूल से मिटा दिया था जैसे ही सात पापों का फूल समाप्त हुआ दूर से देख रहे सभी लोग अवाक रह गए यह स्टार एलायंस के ऊपरी क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से सच था उनकी स्थिति के लोग इस बात से बहुत अवगत थे कि सात पापों का फूल कितना भयानक था द फ्लावर ऑफ सेवन सिंस एक ऐसा संगठन था जिसने सुपर गिल्ड के क्रोध को भड़काते हुए अनगिनत बार सुपर गिल्ड के ऊपरी सोपानकों को मार डाला था हालांकि उन गिल्डों में से कोई भी हत्यारे संगठन के लिए कुछ नहीं कर सका इस दिन तक सात पापों के फूल ने कभी भी किसी कार्य को विफल नहीं किया था फिर भी अब यह किंवदंती बिखर गई सबसे अविश्वसनीय पहलू यह था कि यह एक अपस्टार्ट गिर्ड था जिसने किंवदंती को तोड़ दिया यह कैसे हो सकता है रेड फेदर की आंखें चौड़ी हो गई और उसने जमीन पर बिखरी सात पापों की लाशों को घूरते हुए अपनी मुठ्ठियां भींच लीं जीरो विंग के विरुद्ध द फ्लावर ऑफ सेवन सिंस उनका अंतिम तुरुप का इक्का था अब जब हथियारों का सफाया हो गया था तो उन्हें जीरो विन के ऊपरी क्षेत्रों से कैसे निपटना चाहिए था कोई भी विशेषज्ञ अपनी ताकत का इस्तेमाल करने के लिए संक्रेय इलाके का फायदा उठा सकता है ब्लैक फ्लेम का तो जिक्र ही क्या जो फ्लावर ऑफ सेवन सिंस के टीम लीडर को तुरंत मार सकता है ब्लैक फ्लेम की ताकत के साथ वह अधिक सहनशक्ति बर्बाद किए बिना कुलीन खिलाड़ियों का वध कर सकता था उन्हें प्रत्येक मार के लिए केवल एक हिट की जरूरत थी अगर वे ब्लैक फ्लेम को मारने के लिए जर्ग रणनीति पर भरोसा करते हैं तो कितने कुलीन खिलाड़ियों को बलिदान देने की जरूरत होगी उल्लेख नहीं करने के लिए टियर तीन दानव अभी भी जीवित था और लात मार रहा था केवल बीस हज़ार संभ्रांत खिलाड़ियों के साथ यहां जीरो विन के मुख्य बल का सफाया करना व्यावहारिक रूप से असंभव था संघ के नेता सात पापों के फूल के सदस्यों का सफाया कर दिया गया है अब क्या करें खुद को लेकर अनिश्चित रेड फेदर ने जल्दी से गैलेक्सी पास्ट को रिपोर्ट करने का फ़ैसला किया क्या खबर मिलने पर गैलेक्सी पास्ट पल भर के लिए स्तब्ध रह गया एक पल के लिए तो उसे लगा कि रेड फेदर मजाक कर रहा है हालांकि रेड फेदर इस तरह की विकट स्थिति में कभी भी इतना अप्रिय मजाक नहीं करेगा उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई गैलेक्सी पास्ट ने पूछा जीरो विंग में कितने लोग बचे हैं क्या ब्लैक फ्लेम मर चुकी है सात पापों के फूल की शक्ति परम थी यहां तक कि अगर जीरो विंग का मुख्य बल प्रभावशाली था तो भी वे बिना नुकसान के नहीं चलेंगे यदि जीरो विंग के मुख्य बल को गंभीर हताहतों का सामना करना पड़ा था तो वे अपने शेष शत्रुओं को झुकाने के लिए अपनी कुलीन सेना पर भरोसा कर सकते थे किसी भी कमांडर के बिना जीरो विंग की सेना में खलबली मच जाएगी और मनोबल तेज़ी से गिर जाएगा जीरो विंग की कुलीन सेना को उसके नेताओं के बिना बाहर निकालना काफी आसान होगा उनके पास छिहत्तर लोग शेष हैं ब्लैक फ्लेम अभी भी जीवित है रेड फेदर ने जीरो विंग के सदस्यों पर नज़र डालने के बाद जल्दी से सूचना दी जो अभी भी जादू की सरणी के भीतर थे गैलेक्सी पास्ट का आश्चर्य बढ़ गया एक क्या आप निश्चित हैं गैलेक्सी पास्ट ने एक बार फिर पूछा द फ्लावर ऑफ सेवन सिंस ने अपने शीर्ष स्तर के पचास हत्यारों को भेजा था इनमें से हर एक हत्यारा एक विशेषज्ञ था जिसने किसी के दिल में डर पैदा कर दिया यहां तक कि गैलेक्सी पास्ट को भी यकीन नहीं था कि यदि इनमें से कोई भी विशेषज्ञ उसकी जान ले लेता है तो वह बच सकता है यह कैसे संभव था कि हत्यारों की इस टीम ने केवल बीस से अधिक जीरो विंग के जीवन का दावा किया था गैलेक्सी पास्ट को जीरो विंग के मुख्य बल की ताकत की बहुत स्पष्ट समझ थी कुछ के अलावा बहुत मजबूत ऊपरी सोपानक उनमें से अधिकांश सब पर थे गैलेक्सी पास्ट को और भी भरोसा था कि वह उनमें से कई का एक साथ सामना कर सकता है गिल्ड लीडर मैं इस तरह की गलती कैसे कर सकता हूं एक समय के लिए रेड फेदर भी नुकसान में था जल्दबाजी में उन्होंने कहा जीरो विंग के सभी ऊपरी सोपान अभी भी जीवित हैं केवल कुछ कोर सदस्यों की मृत्यु हुई वह टीयर तीन दानव भी अपनी जादुई कैद से बाहर आ गया है और हमारे लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया है जब गैलेक्सी पास्ट ने यह सुना तो उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया जीरो विंग कब से इतना शक्तिशाली हो गया फ्लावर ऑफ सेवन सिंस की पचास सदस्यीय हत्यारे टीम के खिलाफ जीरो विंग वास्तव में विजयी होकर उभरा था केवल कुछ महत्वहीन सदस्यों को खो दिया था संघ के नेता अब हमें क्या करना चाहिए क्या हम लड़ते हैं या पीछे हटते हैं रेड फेदर ने उत्सुकता से पूछा क्योंकि उसने टीयर तीन दानव को अपने कुलीन सदस्यों का वध करते देखा काला लॉ हम पीछे हटेंगे लंबे समय के बाद ही गैलेक्सी पास्ट ने आखिरकार फैसला किया जब उसने पीछे हटना शब्द का उच्चारण किया तो ऐसा लगा जैसे उसकी सारी ऊर्जा छिन गई हो कितने साल हो गए थे गैलेक्सी पास्ट हार के एहसास को बहुत पहले ही भूल चुका था हालांकि आज उसे स्वाद की याद आ गई थी इस स्वाद ने उन्हें बहुत असहज कर दिया जब से स्टार एलायंस उसके नियंत्रण में आ गया था गिल्ड केवल सुपर गिड्स और सुपर फर्स्ट फर्स्टरेट गिड्स से हार गया था स्टार एलायंस इससे कम पर कभी नहीं हारा था फिर भी अब उन्होंने जिस स्टार एलायंस की कमान संभाली थी उसे एक नवागत गिल्ड द्वारा प्रस्तुत करने में पीटा गया था यह झटका उन सुपर गिड्स के हाथों मिली हार से कई गुना ज्यादा अपमानजनक था पियर तीन दानव एक महान भगवान के समकक्ष था गैलेक्सी पास्ट एक महान भगवान की ताकत को अच्छी तरह जानता था अन्यथा उन्होंने सुपर गिल्ड से टीयर तीन संबंधिंग स्क्रॉल खरीदने के लिए इतनी बड़ी कीमत का भुगतान नहीं किया होता खेल के इस चरण में किसी के पक्ष में एक महान भगवान होने से दुश्मन को विनाशकारी झटका देने के दौरान किसी के नुकसान को काफ़ी कम किया जा सकता है दो टीयर तीन संबंधिंग स्क्रॉल के साथ उन्होंने सोचा कि उनके पास यह युद्ध बैग में है हालांकि गैलेक्सी पास्ट ने कभी नहीं सोचा था कि एक एनर्जी पल्स अटैक उनके दोनों महान लॉर्ड्स को खत्म कर देगा उनके पास टीयर तीन दानव से निपटने का कोई तरीका नहीं था यदि वे पीछे नहीं हटे तो उन्हें केवल अधिक हताहतों का सामना करना पड़ेगा रेड फेदर ने गैलेक्सी पास्ट का आदेश सुनने के बाद उसकी उदास अभिव्यक्ति और भी उदास हो गई हालांकि उन्होंने फिर भी पीछे हटने का आदेश दिया इस बीच पास के एक पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर गुप्त मंडप के सदस्य स्टार एलायंस और जीरो विंग के बीच इस युद्ध पर गर्मागर्म चर्चा कर रहे थे गिल्ड लीडर ब्लैक फ्लेम बहुत शक्तिशाली है जिस तरह से उसने सात पापों के फूल से उस टीम के नेता को मारा वह बहुत अच्छा था मुझे आश्चर्य है कि ब्लैक फ्लेम किस तरह का प्रशिक्षण अपने स्तर पर प्राप्त करता था इतनी बार लड़ाई देखने के बाद भी मैंने केवल ब्लैक फ्लेम के फिगर की एक झलक ही देखी मैं उसके हमले के बाद की तस्वीर भी नहीं देख सका अंकल युवा ब्लैक फ्लेम के खिलाफ केवल कुछ ही चाल चलने की संभावना रखते हैं तुम क्या जानते हो अंकल युवान शक्तिशाली हैं बेशक वह ब्लैक फ्लेम के हमले को रोक सकता था लेकिन ब्लैक फ्लेम की अटैक स्पीड इतनी अधिक है कौन संभवतः उसके हमले का बचाव कर सकता है गुप्त मंडप के प्रशिक्षुओं में से कई ने जीरो विंग के अपने छापों को नवीनीकृत किया था जीरो विंग की बात करते समय वे अहंकारी नहीं रहे अनजाने में वे तलवारबाज को ब्लैक फ्लेम कहने के बजाय उसे गिल्ड लीडर ब्लैक फ्लेम कहने लगे थे हालांकि उनमें से कुछ युवा अभी भी असंतुष्ट थे बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं है मैं ब्लैक फ्लेम का मुकाबला नहीं हूं या इसे दूसरे तरीके से कहें तो केवल वे कुछ राक्षसी खिलाड़ी ही अब ब्लैक फ्लेम से मुकाबला कर सकते हैं युवान टाइकसिन ने अचानक कहा वह सभी की बातचीत पर हंसे बिना नहीं रह सका शरद आपने इस लड़ाई के बारे में क्या सोचा युआन टाइक्सिन ने मूक शीत शरद ऋतु से पूछा गुप्त मंडप की नई पीढ़ी के बीच शीत शरद ऋतु शीर्ष प्रतिभा थी युवक एक साल पहले गुप्त मंडप के गुप्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल हुआ था वह केवल सत्रह साल का था फिर भी वह पहले ही पवेलियन का स्टार शिष्य बन चुका था वह पहले ही आधे चरण के शुद्धिकरण क्षेत्र में पहुंच चुका था और वास्तव में शुद्धिकरण क्षेत्र में प्रवेश करने से केवल एक धागा दूर था वह कभी भी टूट सकता था प्रारंभ में युवान टाइक्सिन कोल्ड ऑटम और अन्य प्रशिक्षुओं को यहां लाए थे ताकि उन्हें यह सिखाया जा सके कि वे बहुत घमंडी न हो यह दिखाते हुए कि वर्चुअल गेमिंग की दुनिया में कई विशेषज्ञ हैं वह उन्हें एक सच्चा राक्षस भी दिखाना चाहता था दुर्भाग्य से सिल्वर इस बार उपस्थित नहीं हुआ था हालांकि स्काई और ब्लैक फ्लेम के बीच लड़ाई देखने से उनका लाभ पर्याप्त होना चाहिए युवान टाइक्सिन ने ब्लैक फ्लेम और सिल्वर के बीच टकराव देखने की उम्मीद भी की थी इस तरह के युद्ध का क्या परिणाम होगा ब्लैक फ्लेम बहुत मजबूत है मेरी वर्तमान ताकत के साथ मैं उसके लिए कोई मुकाबला नहीं कर सकता गर्वित शीत शरद ऋतु ने धीरे से स्वीकार किया हालांकि मैं कड़ी मेहनत करना जारी रखूंगा देर स्वेर मैं उससे आगे निकल जाऊंगा हा 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 यह सही है इस तरह की मानसिकता आपके पास होनी चाहिए ऐसा लगता है कि यहां की यह यात्रा बिल्कुल भी बेकार नहीं रही युवान टाइक ने संतोष के साथ सिर हिलाया अचानक उसने अपने संचारक की घंटी सुनी उसे चौंका दिया आखिरकार यह कोई और नहीं बल्कि सीक्रेट पवेलियन के गिल्ड लीडर का फोन था रेड फेदर द्वारा आदेश दिए जाने के बाद स्टार एलायंस ने जीरो विंग के मुख्य बल से निपटने के लिए भेजी गई कुलीन सेना को युद्ध के दानव से निपटने के लिए केवल एक छोटा स्क्वाड्रन पीछे छोड़ दिया स्टार एलायंस और युद्ध के मैदान पर कहीं और लड़ने वाले विभिन्न बड़े संघों के अभिजात वर्ग भी पीछे हटना शुरू कर दिया स्टोनक्लॉ पर्वत छोड़ने की तैयारी कर रहे थे अब पीछे हटने में बहुत देर हो चुकी है अथर्व ने भागती हुई स्टार एलायंस की सेना पर अपनी निगाहें फेरते हुए उपहास उड़ाया तुरंत उन्होंने गिल्ड चैट के माध्यम से एक आदेश भेजा जिसमें कहा गया सभी अभिजात वर्ग नौसितारा पोलर डोमेन मैजिक एरे को सक्रिय करें यही कारण था कि अथर्व ने पहले जीरो विंग की सेना को दस अलग अलग संभ्रांत सेनाओं में विभाजित कर दिया था स्टोनकलॉ पर्वत का बाहरी क्षेत्र विशाल था हालांकि केवल दस रास्ते थे जो कालकोठरी के टेलीपोर्टेशन सरणी तक ले गए जैसे ही युद्ध शुरू हुआ अथर्व ने स्टोनक्लॉ पर्वत को बंद करने के लिए गिड वॉर ऑर्डर का इस्तेमाल किया था कोई भी खिलाड़ी रिटर्न स्क्रॉल के साथ बच नहीं सकता था कालपोथरी छोड़ने का एकमात्र तरीका टेलीपोर्टेशन एरे का उपयोग करना था गॉड्स डोमेन में जादुई सरणियों का उपयोग करने के दो तरीके थे पहली विधि ने दुश्मन को दबाने के लिए आक्रामक रूप से एक जादुई सरणी का इस्तेमाल किया दूसरा प्रयोग रक्षात्मक था बैरियर मैजिक एरेज की अनूठी विशेषताओं के कारण इन मैजिक एरेज के सक्रिय होने के बाद बैरियर के अंदर फंसे दुश्मन बाहर नहीं निकल सकते थे इसी तरह कोई भी बाधा में प्रवेश करने में सक्षम नहीं होगा जब तक कि वे जादू सरणी को नष्ट नहीं कर देते हालांकि एक जादुई सरणी को नष्ट करना आसान नहीं था ऐसा करने के लिए बहुत समय की आवश्यकता थी सरणी के बाहर से हमले कमजोर होंगे आमतौर पर एक जादुई सरणी को अंदर से नष्ट करना बहुत आसान था नाइन स्टार पोलर डोमेन कोई अपवाद नहीं था इसलिए अथर्व ने दस रास्तों की रक्षा के लिए जीरो विंग की दस कुलीन सेना भेजी थी जब कुलीन सेनाओं ने अपने नाइन स्टार पोलर डोमेन मैजिक एरे को सक्रिय किया तो वे स्टार एलायंस और अन्य बड़े गिल्डों को स्टोन स्टोनक्लाफ पर्वत छोड़ने से रोकेंगे वे तब इस युद्ध से अधिक लाभ प्राप्त करने का अवसर ले सकते थे अथर्व के आदेश के साथ बैरियर पार्टियां लामबंद हो गईं उनमें से हर एक ने नाइन स्टार पोलर डोमेन मैजिक स्क्रॉल का खुलासा किया जो उन्होंने इस समय तक आयोजित किया था युद्ध के मैदान के ऊपर अचानक दस बड़े जादू की सरणियां दिखाई दीं युद्ध के मैदान के एक बड़े हिस्से को घेर लिया और स्टोनक्लाफ पर्वत से सभी निकासों को सील कर दिया क्या चल रहा है मेरे गुण क्यों कम हो गए हैं धिक्कार है मेरे पास अभी छह हज़ार एचपी भी नहीं है गिल्ड के विभिन्न संभ्रांत सदस्य जिन्होंने जीरो विंग के अभिजात वर्ग के दिग्गजों को लगातार पीछे हटने के लिए मजबूर किया था अचानक कुछ गलत पाया उनके गुणों में चालीस परसेंट की कमी आई थी उनके हमले जीरो विंग के संभ्रांत सदस्यों को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा सके इसके विपरीत जीरो विंग के संभ्रांत सदस्य जिनके गुण अपरिवर्तित रहे उन्हें केवल कुछ हिट के साथ समाप्त कर सकते थे अचानक ज़ीरो विंग के दुश्मन घबराने लगे हालांकि जादू की सरनी के बाहर पकड़े गए खिलाड़ियों ने मदद करने की कोशिश की और मंत्र के साथ बाधा पर लगातार हमला किया उनके हमलों का प्रभाव न्यूनतम था नाइन स्टार पोलर डोमेन को बनाए रखने वाले जादुई वर्ग के खिलाड़ियों ने अपने हमलों से ज़्यादा मन नहीं खोया अब हमारी बारी है विभिन्न गिल्डों के घबराए हुए अभिजात वर्ग को देखकर जीरो विंग के अभिजात वर्ग के सदस्य लड़ाई को हल करने के लिए आगे बढ़े मूल रूप से उन्हें अपने शत्रुओं को हराने के लिए मोटे तौर पर चार या पांच आक्रमणों की आवश्यकता थी अब उन्हें ऐसा करने के लिए केवल दो या तीन हिट की जरूरत थी दूसरी ओर उनके शत्रुओं को अब उन्हें मारने के लिए मोटे तौर पर आठ या नौ प्रहारों की आवश्यकता थी लड़ाई एक तरफा थी इसके अलावा नाइन स्टार पोलर डोमेन मैजिक एरे उनके गले में चाकू की तरह था जादू की सारणियों ने उनके पीछे हटने को काट दिया था एक सेनाओं का समर्थन करने के लिए पल्स तोप का उपयोग करें बाकी सब तोप की रक्षा करें और युद्ध के मैदान को साफ करें अथर्व के आदेश जारी करने के बाद उसने विंड राइडर को सक्रिय किया और पहाड़ से नीचे उड़ गया नाइन स्टार पोलर डोमेन स्टार एलायंस और उसके सहयोगियों को लंबे समय तक नहीं रोक पाएगा जब तक युद्ध दानव उनके पास पहुंचेगा तब तक विभिन्न बड़े गिड भाग निकलेंगे हालांकि अगर उसने अपने दुश्मनों के कमांडरों को मार डाला तो शेष संभ्रांत खिलाड़ी बिना सिर वाले मुर्गे की तरह दौड़ेंगे वह कुलीन सेना की गति को काफी कम कर देगा अपनी सेना के लिए अधिक समय अर्जित करेगा कोई हमारी ओर उड़ रहा है पीछे हटने वाले स्टार एलायंस के सदस्य अचानक चिल्लाए क्योंकि उन्होंने आकाश की ओर देखा उड़ती हुई आकृति को देखने के लिए हर कोई मुड़ा काला लॉन यह ब्लैक फ्लेम है जैसे जैसे यह आंकड़ा करीब आया अभिजात वर्ग ने जीरो विंग के गिड लीडर को पहचान लिया अकेले हम पर आरोप लगा रहे हैं क्या आपको सच में लगता है कि स्टार एलायंस को धमकाना इतना आसान है रेड फेदर ने भी देखा कि अथर्व तेजी से उनकी सेना की ओर बढ़ रहा है वह चिल्लाया रंगे हुए खिलाड़ी उसे नीचे गोली मारो जो कोई भी ब्लैक फ्लेम को मारता है उसे शीर्ष स्तरीय उपकरण 500 गोल्ड और कोर सदस्य को पदोन्नति के साथ पुरस्कृत किया जाएगा पहले दर्जे के संघ में कई सदस्य थे हालांकि कुछ ही कोर सदस्य बन सके अत्यधिक शक्तिशाली युद्ध कौशल के बिना गिल्ड के अभिजात वर्ग में से एक बनना आमतौर पर उनकी सीमा थी इस बीच एक संभ्रांत सदस्य को मिलने वाले उपचार और मुख्य सदस्यों को मिलने वाले उपचार के बीच गुणात्मक अंतर था कोर सदस्यों को न केवल अच्छे उपकरणों पर प्राथमिकता मिली बल्कि उन्हें हर महीने भरपूर वेतन भी मिला एक बड़े निगम में कार्यालय की नौकरी की तुलना में एक मुख्य सदस्य के रूप में कहीं अधिक क्रेडिट कमा सकते हैं कोई कह सकता है कि कोर सदस्यों को पहले दर्जे के गेड में औपचारिक आंतरिक कर्मचारी माना जाता था जबकि एक अभिजात वर्ग केवल बाहरी कर्मचारी था लाभ पूरी तरह से अलग स्तर पर थे काली लॉ मरो स्टार एलायंस के अभिजात वर्ग उत्साह से चिल्लाये अथर्व के आने का इंतज़ार करते हुए हज़ारों रंग बिरंगे खिलाड़ियों ने अपने जादू करना शुरू कर दिया और अपने तीर चलाए जैसे जैसे अथर्व संभ्रांत सेना के करीब बढ़ता गया मंत्र और बाण उसकी ओर उड़ने लगे हालांकि विंड राइडर की गति बढ़ने के साथ अथर्व को मंत्र और बाणों से बचने में थोड़ी परेशानी हुई इसके अलावा जैसा कि इन कुलीन खिलाड़ियों ने अथर्व के आंदोलन की अपनी भविष्यवाणियों के आधार पर अपने हमले शुरू किए उन्हें केवल हमलों से बचने के लिए सीमा से बाहर उड़ने की जरूरत थी इस तरह अथर्व मंत्र और बाणों की वर्षा के माध्यम से अपना रास्ता बुनते हुए सहजता से आगे बढ़ा दूर से देखने पर ऐसा लगता था जैसे अथर्व अनगिनत मंत्रों और बाणों के बीच नृत्य कर रहा हो अपनी भयावह गति के परिणाम स्वरूप अथर्व ने एक के बाद एक छवि को पीछे छोड़ दिया जिससे स्टार एलायंस के अभिजात वर्ग भ्रमित हो गए उनमें से कोई भी अथर्व की हरकतों का पालन नहीं कर सका अथर्व को पास आते देख अथर्व की भयावह गति से प्रभावित होने के बजाय रेड फेदर ने उपहास किया और अपने बैग से लालटिया दो मैजिक स्क्रॉल निकाला ब्लैक फ्लेम तुम वही हो जो आज मरोगे रेड फेदर ने स्वीकार किया कि उसका अपना कोई भी मंत्र तेज गति वाले अथर्व पर नहीं गिरेगा हालांकि उनके द्वारा आयोजित टीयर दो मैजिक स्क्रॉल एक अलग कहानी थी टीयर दो मंत्र ज्वाला के पवित्र भाले अचानक रेड फेदर के चारों ओर छत्तीस ज्वाला भाले दिखाई दिए चिलचिलाती आग ने आसपास के तापमान को बढ़ा दिया काली लौ राख में बदल जाओ रेड फेदर ने अपने कर्मचारियों को लहराया जब उसने देखा कि उसके और अथर्व के बीच केवल तीस दस की दूरी रह गई है छत्तीस ज्वाला भाले अथर्व की ओर बढ़ते ही प्रकाश की धाराओं में परिवर्तित हो गए फ्लिन स्पियर अथर्व की तुलना में बहुत तेज थे तीस गज की दूरी को पार करने में केवल एक पल लेते थे फ्लिन स्पियर्स ने बचने का कोई भी रास्ता रोक दिया अथर्व को चकमा देने के लिए कोई जगह नहीं दी इस बीच होली स्पियर्स ऑफ फ्लिम एक अनब्लॉकेबल सीक्रेट स्पेल था प्रत्येक भाले ने एक भगवान रैंक वाले राक्षस की शक्ति को टक्कर दी यह एक अत्यंत शक्तिशाली मंत्र था जैसे ही भाले अथर्व पर वार करने वाले थे वह अचानक गायब हो गया फ्लिन स्पियर्स में से किसी ने भी अपना निशान नहीं मारा आप इससे पहले की रेड फेदर प्रतिक्रिया दे पाता उसने अथर्व को अपने सामने पाया बिजली की नीली चाप अथर्व के शरीर में चक्कर लगा रही थी चिंगारी से चटक रही थी स्पियर दो टैबू स्किल इंस्टेंट स्ट्राइक अथर्व का चित्र रेड फेदर को पीछे छोड़ गया जो अपेक्षाकृत लंबे समय तक बनी रहने वाली नीली अनुकृति को पीछे छोड़ गया लाल पंख जमीन पर गिर गया उसका शरीर गतिहीन पड़ा रहा उसका एचपी जो आठ से अधिक था कुछ भी नहीं गिरा इस बीच अथर्व का आंकड़ा लंबे समय से विदा हो चुका था जिससे स्टार एलायंस के अभिजात वर्ग अचंभित रह गए वे इस दृश्य को हमेशा अपने जेहन में संजोए रहेंगे जबकि हजारों खिलाड़ियों ने उन पर हमले किए अथर्व ने एक हिट के साथ रेड फेदर को मारने में कामयाबी हासिल की वे सब कर सकते थे कि अथर्व के विदा होते समय उसकी पीठ को घूरते रहे पीछे हटने वाले सम्भ्रांत सदस्य ही वे नहीं थे जिन्होंने अथर्व को रेड फेदर को मारते देखा था गुप्त मंडप के सदस्य जो युद्ध के मैदान से प्रस्थान करने की तैयारी कर रहे थे ने भी हमले को देखा नीली बत्ती की चमक के साथ लड़ाई खत्म हो चुकी थी गुप्त मंडप से कोई नहीं समझ पाया कि अभी क्या हुआ था हज़ारों कुलीन खिलाड़ियों और रेड फेदर के टियर दो मैजिक स्क्रॉल के बावजूद अथर्व ने रेड फेदर को तुरंत मार डाला था और बिना किसी खरोंच के छोड़ दिया था यह अकल्पनीय था अथर्व का हमला आकाश को मारने के लिए किए गए हमले से भी तेज था संभवतः उस तरह की गति का मुकाबला कौन कर सकता है स्काई का सामना करने पर ब्लैक फ्लेम अभी भी अपनी ताकत छिपा रहा था युवान डाइक सिंह चौंक गया जहां तक बुक मंडप के प्रशिक्षुओं की बात है हर कोई अवाक था उनकी रीढ़ में ठंडक रेंग रही थी साधारण संभ्रांत सदस्यों ने भले ही लड़ाई के महत्वपूर्ण क्षण को नहीं पकड़ा हो लेकिन उन्होंने इसे देखा था उसकी चकमा देने की क्षमताओं के बजाय ब्लैक फ्लेम के हमले की गति वास्तव में भयावह थी उन्होंने केवल ब्लैक फ्लेम ब्रश को रेड फेदर के अतीत में देखा था उनमें से किसी ने भी ब्लैक फ्लेम की तलवार को म्यान से निकलते हुए नहीं देखा था वे बहुत दूर खड़े थे इसलिए वे हमले को भी स्पष्ट रूप से नहीं देख पाए थे हालांकि रेड फेदर ने व्यक्तिगत रूप से हिट लिया था उन्हें ब्लैक फ्लेम की तकनीक को साफ तौर पर देखना चाहिए था इसके अलावा गॉड्स डोमेन के कारण सामान्य खिलाड़ियों और विशेषज्ञों के तेज अंतर्ज्ञान दोनों में काफी सुधार हुआ था मृत्यु के क्षण में यह जंगली जैसा अंतर्ज्ञान उन्हें हमलों से बचने की अनुमति दे सकता है विशेषज्ञ खिलाड़ियों के पास विशेष रूप से एक आसान समय था और बचने का एक उच्च मौका था रेड फेदर गॉड्स डोमेन एक्सपर्ट्स लिस्ट में रैंक किया गया एक विशेषज्ञ था जिसे सीक्रेट पवेलियन ने प्रकाशित किया था उनका बल असाधारण था हालांकि उन्हें अभी हाफस्टेक रिफाइनमेंट दायरे तक पहुंचना था लेकिन इसके समर्थन में उनके पास बहुत उच्च बुनियादी विशेषताओं के साथ भरपूर युद्ध का अनुभव था खतरे का जवाब देने की उनकी क्षमता विशेषज्ञों में प्रथम श्रेणी की थी यहां तक कि शीत शरद ऋतु गुप्त मंडप द्वारा घोषित एक प्रतिभा इस पहलू में लाल पंख जितनी अच्छी नहीं हो सकती है फिर भी जब ब्लैक फ्लेम ने उस पर हमला किया तो इतनी तेज प्रतिक्रिया वाले विशेषज्ञ ने जरा भी प्रतिक्रिया नहीं दी थी यह ऐसा था मानो रेड फेदर का अंतर्ज्ञान उस क्षण के दौरान गायब हो गया हो जब वह मर गया तो उसे एहसास हुआ कि उसे मारा गया था सीक्रेट पवेलियन के सदस्यों के सिहरने के पीछे यही कारण था हालांकि जब उसने स्काई का सामना किया तो ब्लैक फ्लेम की अटैक स्पीड आश्चर्यजनक थी उनकी आंखें केवल ब्लैक फ्लेम की तलवार के साथ बने रहने में विफल रहीं हालांकि अब उन्हें इस बात का एहसास भी नहीं हुआ था कि ब्लैक फ्लेम ने कब हमला किया था उन्होंने केवल तेजी से फैलने वाली नीली रोशनी की लकीर देखी थी इस बीच अथर्व जो पहले ही संभ्रांत सेना से दूर हो चुका था अपने प्रदर्शन से विशेष रूप से संतुष्ट नहीं था निश्चित रूप से उस अनुभूति को फिर से दोहराना आसान नहीं होगा रेड फेदर को मारने के बाद अथर्व ने उस चाल को याद किया जो उसने आकाश को मारने के लिए इस्तेमाल की थी वन स्पियर सिक्स ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे का सिद्धांत उनके शून्य कदमों के समान था वन स्पीयर सिक्स ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसी तकनीक थी जो प्रतिद्वंद्वी के मस्तिष्क को जटिल जानकारी के साथ अधिभारित करने के लिए विशेष हमले के तरीकों का इस्तेमाल करती थी जिससे उनका मस्तिष्क इस जानकारी को अनदेखा कर देता था जिससे उन्हें हमले का अनुभव नहीं होता था केवल जब भाले ने वास्तव में उनके जीवन को खतरे में डाला तो उनका मस्तिष्क इस अज्ञानता को दूर करेगा हालांकि उस समय भाले पहले से ही उनकी नाक के नीचे थे और प्रतिक्रिया करने के लिए बहुत देर हो चुकी थी गुणों के अपने लाभ के साथ भी अथर्व बमुश्किल दो या तीन स्पीयर छवियों को रोक सका सभी छह को ब्लॉक करना व्यावहारिक रूप से असंभव था अथर्व केवल अपने शरीर के साथ ऐसी तकनीक का प्रयोग करने में सक्षम था हालांकि स्काई अपने हमलों पर तकनीक का इस्तेमाल कर सकता था यह आश्चर्यजनक था शरीर की गति की गति उसकी आक्रमण गति से बहुत कम थी इसलिए इस तरह की तकनीक को अपने हमलों के साथ नियोजित करना बहुत अधिक कठिन था इसके अलावा इस तरह की तकनीक के लिए यह जितनी तेज़ थी तकनीक का उपयोग करना उतना ही कठिन था तकनीक को निष्पादित करने के लिए बेहद कम समय के भीतर जटिल गतियों की एक श्रृंखला को पूरा करने की आवश्यकता थी केवल अत्यधिक जटिल जानकारी के साथ ही मस्तिष्क छवि को स्वीकार करने से इनकार कर देगा इसे अनदेखा करना चुनना होगा इस तकनीक की गहरी समझ रखने वाले व्यक्ति के रूप में अथर्व के पास अपनी आंखें बंद करने और सभी दृश्य सूचनाओं को बंद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था इसके बजाय उसने स्काई के वन वंसपीयर सिक्स ट्रांसफॉर्मेशन को चकमा देने के लिए अपने अन्य संवेदी अंगों अपने युद्ध के अनुभव के धन और अपने तेज अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना चुना गुणों के संबंध में उनके पूर्ण लाभ के साथ यह संभव था यदि वह स्काई की हमले की सीमा से लगभग एक गज़ की दूरी बनाए रखता है और तत्काल बच जाता है तो उसे लगता है कि बरसरकर का भाला उसके चारों ओर की हवा को विस्थापित कर देता है उसके पास आने वाले हमलों को चकमा देने के लिए पर्याप्त समय होगा यही कारण था कि अथर्व ने अपना पलटवार करते हुए स्काई के आक्रामक हमलों से परहेज किया था विशेषज्ञों के बीच एक लड़ाई में किसी की दृश्य भावना को बंद करना बेहद खतरनाक था क्योंकि किसी व्यक्ति की पांच इंद्रियों में से किसी की दृष्टि ने सबसे अधिक जानकारी को अवशोषित किया साधारण खिलाड़ी सबसे ज्यादा नज़र पर भरोसा करते हैं यदि कोई खिलाड़ी अपनी दृष्टि खो देता है तो वे अपंग हो जाते हैं जिससे उनकी शक्ति घायल हो जाती है हालांकि जब अथर्व ने अपनी आंखें बंद कर लीं और स्काई के वन वंस्पियर सिक्स ट्रांसफॉर्मेशन से बच गए तो उन्होंने पाया कि दुनिया के बारे में उनकी धारणा बदल गई थी उनकी दृष्टि के बिना उनका ध्यान अपने परिवेश पर केंद्रित था उसने अब अपने दुश्मन पर ध्यान केंद्रित नहीं किया जब उन्हें मौत की धमकी का सामना करना पड़ा तो उन्होंने पाया कि उनकी धारणा पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट हो गई थी हालांकि वह स्काई की हरकतों को देखने में सक्षम नहीं था फिर भी उसने भाले की स्थिति को भांप लिया था जिससे उसे बेस्कर के हमलों को चकमा देने का एक आसान समय मिल गया अंत में जब स्काई ने वन वंसियर नाइन किल्स को अंजाम दिया तो अथर्व को एहसास हुआ कि वास्तव में शून्य क्षेत्र क्या था उस समय ऐसा लगता था जैसे उसका वातावरण उसके शरीर का एक हिस्सा था यह मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य की मार्शियल आर्ट अवधारणा की तरह लगा उस क्षण आकाश के भाले ने उसे भ्रमित करना बंद कर दिया अंत में अथर्व ने शोधन के लोगों का अंतिम द्वार खोल दिया था शून्य क्षेत्र शून्य क्षेत्र में पहुंचने के बाद अथर्व वन स्पियर नाइन किल्स की सामान्य आक्रमण रेंज को एक ही नजर से देख सकता था इसलिए अथर्व ने हर एक स्ट्राइक को ब्लॉक करने के लिए किलिंग रे की ब्रांडिंग की अगर अटैक स्पीड की तुलना करें तो थंडर गॉड्स डिसेंट को सक्रिय करने वाले अथर्व हार नहीं सकते थे हालांकि जब अथर्व आकाश के खिलाफ अंतिम प्रहार करते हैं तो उन्हें अंतरिक्ष में एक दरार दिखाई देती है वह अनजाने में किलिंग रे को उस स्थान पर झूल गया जब तक उसे होश आया कि क्या हो रहा है आकाश पहले से ही जमीन पर था हालांकि जब उसने रेड फेदर को मार डाला था तो वह उस अनुभूति को फिर से महसूस नहीं कर पाया था केवल इंस्टेंट स्ट्राइक द्वारा प्रदान की जाने वाली बोनस गति आश्चर्यजनक थी इतना अधिक कि रेड फेदर उसके हमले पर प्रतिक्रिया नहीं कर सका अत अथर्व इस परिणाम से कुछ असंतुष्ट था अथर्व द्वारा रेड फेदर को मारने के बाद रेड फेदर की कुलीन सेना उथल पुथल में पड़ गई किसी भी संभ्रांत को नहीं पता था कि क्या करना है इसके अलावा अथर्व के प्रदर्शन को देखने के बाद उनमें से कई बिखरे हुए डर गए थे यदि रेड फेदर को मारने से ऐसा परिणाम उत्पन्न होता तो अथर्व अन्य सेना कमांडरों को हुक से नहीं जाने दे सकता था अपनी स्वयं की लड़ाइयों के शीर्ष पर अथर्व ने युद्ध दानव को स्टार एलायंस और उनके सहयोगियों के कमांडरों को मारने का निर्देश दिया बहुत जल्दी युद्ध के मैदान में अराजकता फैल गई धिक्कार है कि काली लॉ वह हमें मिटाने की कोशिश कर रहा है स्टार एलायंस के विभिन्न कुलीन दिग्गजों से रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद भले ही गैलेक्सी पास्ट एक मूर्ख था वह अथर्व के लक्ष्य को समझ गया फिर उन्होंने स्टोनकलाव पर्वत के मानचित्र को देखा और गिल्ड चैट के माध्यम से कहा हर कोई उत्तर पश्चिमी पर्वत पथ पर इकट्ठा हो हम एक के रूप में टूटेंगे युद्ध के मैदान में उथल पुथल मचने के साथ कई निकासों को तोड़ना बहुत समय लेने वाला होगा ऐसा करने पर वे केवल अथर्व के हाथों में खेलेंगे इसलिए गैलेक्सी पास्ट ने स्टार एलायंस की सेना को निकटतम निकास पथ पर इकट्ठा करने के लिए चुना उनकी शक्ति को एक बिंदु पर केंद्रित किया इससे वे जीरो विंग के डिफेंस को भेज सकते थे एक क्षण बाद गैलेक्सी पास्ट की कमान के तहत स्टार एलायंस की कुलीन सेना उत्तर पश्चिमी पहाड़ी रास्ते पर इकट्ठा हुई और नाइन स्टार पोलर डोमेन पर पागलों की तरह हमला करना शुरू कर दिया जीरो विंग के संभ्रांत सदस्यों के जवाबी कार्रवाई के बावजूद प्रभाव न्यूनतम था जादुई सरणी बनाए रखने वाले नौ खिलाड़ियों ने तेजी से अपना मान खो दिया कुछ ही मिनटों के बाद नाइन स्टार पोलर डोमेन बिखर गया स्टार एलायंस के सदस्य आनंदित हुए क्या वह ब्लैक फ्लेम नहीं है यह सिर्फ ब्लैक फ्लेम नहीं है क्या वह फायर डांस और एकवा रोज उसके बगल में नहीं है जब जादू की सरणी बिखर गई तो तेज दृष्टि वाले स्टार एलायंस के खिलाड़ियों ने पहाड़ के रास्ते के बीच में ब्लैक फ्लेम और जीरो विंग के मुख्य बल सदस्यों की खोज की उनके भाव तुरंत डूब गए अथर्व कैसा पावर हाउस था यह तो सभी ने खुद ही देख लिया था दूर से देखने के बावजूद वे अपनी सेहरन नहीं रोक पाए तथ्य यह है कि अथर्व रेड फेदर को मारने में सक्षम था जबकि हजारों संभ्रांत खिलाड़ियों से घिरा हुआ था और बिना किसी नुकसान के छोड़ दिया गया था यह दर्शाता है कि उनका जीवन अथर्व के हाथों में था अगर अथर्व यहां किसी की जान लेना चाहता तो उसे कोई नहीं रोक सकता था ठीक यही कारण था कि स्टार एलायंस के विभिन्न खिलाड़ियों ने जब नाइन स्टार पोलर डोमेन को नष्ट कर दिया तो वे आनंदित नहीं हुए अभी तो उन्हें सिर्फ डर लग रहा था उनमें से हर एक जम गया कोई भी एक कदम आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं करता था एक आदमी ने दसियों हजार की कुलीन सेना को डरा दिया था इसके अलावा यह कोई साधारण संभ्रांत सेना नहीं थी यह स्टार एलायंस पहले दर्जे के गिल्ड की कुलीन सेना थी हर संभ्रांत सदस्य बत्तीस या उससे ऊपर के स्तर का था आम खिलाड़ियों की नज़र में वे सभी विशेषज्ञ थे फिर भी अथर्व की शक्ति के विरुद्ध इन विशेषज्ञों ने लड़ने की इच्छा खो दी इसके अलावा अथर्व के साथ कई प्रसिद्ध विशेषज्ञ खड़े थे चाहे वह फायर डांस हो एक वारोस और जीरो विंग के अन्य ऊपरी सोपानक उनमें से हर एक अपने गिड लीडर गैलेक्सी पास्ट से भी अधिक प्रसिद्ध था इसके अलावा उन सभी के पास चमकदार युद्ध रिकॉर्ड थे संभावना थी कि जीरो विंग के ऊपरी सोपानक उनके गिल्ड लीडर से अधिक मजबूत थे उन्हें इन राक्षसों का सामना कैसे करना चाहिए था उनके सामने जीरो विंग लूम कर गया उनके पीछे ओरोबोरोस इंतजार कर रहा था स्टार एलायंस सेना एक चट्टान और एक कठिन जगह के बीच फंस गई थी जीरो विंग में केवल कई सौ लोग बाहर निकलने की रखवाली करते हैं तो क्या हुआ अगर जीरो विंग का मुख्य बल मैदान में शामिल हो गया है क्या वे वास्तव में सोचते हैं कि वे हमारी पचास शून्य 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 मजबूत कुलीन सेना को रोक सकते हैं गैलेक्सी पास्ट अचानक चिल्लाया आप सभी चार्ज करें उन्हें मिटा दें गैलेक्सी पास्ट के शब्दों ने सभी को चौंका दिया हालांकि जीरो विंग में टीयर तीन दानव था उनके पास बैरियर स्क्रॉल थे जो इसे दबा सकते थे जीरो विंग के कई सौ सदस्यों के साथ डील करना केक का एक टुकड़ा होगा यहां तक कि अगर अथर्व अधिक शक्तिशाली था और हर हमले के साथ एक खिलाड़ी को मार सकता था भले ही सभी ने उसे जाने दिया पचास हजार का उल्लेख नहीं करने के लिए दस हजार खिलाड़ियों को मारने में बहुत लंबा समय लगेगा अचानक स्टार एलायंस के सदस्य अथर्व की ओर बढ़ गए जीरो विंग के खिलाड़ियों ने अपने दिल की धड़कन को महसूस किया क्योंकि उन्होंने खिलाड़ियों के ज्वार को अपनी ओर बढ़ते देखा उनके पास केवल कई सौ खिलाड़ी थे हालांकि उनकी सहायता के लिए उनके गिल्ड की मुख्य ताकत आ गई थी लेकिन पचास हजार खिलाड़ियों को रोक पाना असंभव था थोड़े समय के लिए भी टिकना प्रभावशाली होगा आखिरकार खिलाड़ियों के बीच की लड़ाइयों ने किसी की सहनशक्ति के अत्यधिक भारी बोझ की मांग की सहनशक्ति के बिना यहां तक कि सबसे मज़बूत विशेषज्ञ भी एक साधारण खिलाड़ी की तलवार के नीचे गिर जाएगा हालांकि जैसे ही स्टार एलायंस के अभिजात वर्ग बंद हुए दर्जनों इंटरमीडिएट फ्रॉस्ट ग्रेनेड भीड़ के बीच फट गए जिससे पहाड़ का रास्ता जम गया और इसे सैकड़ों बर्फ की मूर्तियों से सजाया गया जैसे ही वे प्रकट हुए ये बर्फ़ की मूर्तियां बिखर गईं और गायब हो गईं स्वाभाविक रूप से अथर्व जानता था कि कई सौ खिलाड़ियों के लिए पचास हज़ार की सेना को रोक पाना असंभव था हालांकि फ्रॉस्ट ग्रेनेड ओरोबोरोस की सेना के आने के लिए कुलीन सेना को काफ़ी देर तक रोक सकते थे प्रत्येक मुख्य बल सदस्य 100 इंटरमीडिएट फ्रॉस्ट ग्रेनेड और 10 उन्नत फ्रॉस्ट ग्रेनेड ले गए जो इंटरमीडिएट फ्रॉस्ट ग्रेनेड की तुलना में काफी अधिक शक्तिशाली थे मुख्य बल की ताकत और फ्रॉस्ट ग्रेनेड के बड़े स्टॉक के साथ ओरोबोरोस के आने तक स्टार एलायंस की सेना को रोकना बच्चों का खेल था काला लॉ फ्रॉस्ट ग्रेनेड के एक बार फिर प्रकट होते ही गैलेक्सी पास्ट ने अपने दांत पीस लिए इस बिंदु पर फ्रॉस्ट ग्रेनेड की भयावह शक्ति ने सभी के मन में खुद को स्थापित कर लिया था पहले जीरो विंग के अभिजात वर्ग के दिग्गजों ने इन फ्रॉस्ट ग्रेनेड के साथ विभिन्न बड़े संघों को महत्वपूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया था जीरो विंग की आपूर्ति को कम करने के लिए विभिन्न संघों ने अपनी सेनाओं के एक बड़े हिस्से की बलि दी थी यदि स्टार एलायंस ने अपना डर दिखाया और अपने बड़े पैमाने पर हमले को रोक दिया तो जीरो विंग को समय खरीदने के लिए अपने हथगोले बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं होगी हालांकि अगर गिल्ड आगे बढ़ता है तो उसे एक भयानक कीमत चुकानी पड़ेगी गिड लीडर क्या हम चार्ज जारी रख रहे हैं या नहीं स्टार एलायंस के कमांडरों में से एक ने पूछा चार्ज मैं यह मानने से इनकार करता हूं कि जीरो विंग में इतने सारे टूल हैं गैलेक्सी पास्ट चिल्लाया उसके सैनिकों के बीच एक सर्द दौड़ रही थी न तो आगे बढ़ना और न ही पीछे हटना अच्छा विकल्प था इसलिए भले ही वह जानता था कि वे एक ईंट की दीवार में पटक देंगे उन्हें जीरो विंग की नाकाबंदी से पहले चार्ज करने की जरूरत थी यदि वे औरबोरोस की सेना के आने तक प्रतीक्षा करते तो उनमें से कोई भी इस स्थान को जीवित नहीं छोड़ता अचानक स्टार एलायंस ने फुल चार्ज शुरू कर दिया जीरो विंग का मुख्य बल जो फ्रॉस्ट ग्रेनेड फेंक रहे थे बाढ़ के नीचे फंस गए थे स्टार एलायंस का हमला भयंकर था खिलाड़ियों ने अपने जीवन के लिए शून्य सम्मान दिखाया क्योंकि उन्होंने आगे बढ़ाया कई एमटी ने अपने सभी लाइफ सेविंग स्किल्स को सक्रिय किया जिससे उनकी अधिकतम एचपी काफी बढ़ गई और उन्हें होने वाले नुकसान को कम किया इंटरमीडिएट फ्रॉस्ट ग्रेनेड खिलाड़ियों के खिलाफ पहले से ही आधे प्रभावी थे अब इसका नुकसान आधा हो गया है इस समय प्रत्येक इंटरमीडिएट फ्रॉस्ट ग्रेनेड ने एलायंस के एमटी को लगभग दो नुकसान ही पहुंचाया चौदह एचपी से अधिक के साथ साठ या सत्तर इंटरमीडिएट फ्रॉस्ट ग्रेनेड भी उन्हें मारने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे नतीजतन जीरो विंग के सत्तर से अधिक मुख्य बल के सदस्यों ने अपने हथगोले जितनी तेजी से फेंक सकते थे मुश्किल से हमले को रोक दिया जैसे ही अथर्व स्टार अलायंस की सेना की ओर बढ़ा उसने सेवन ल्यूमिनरीज रिंग के ऑरा ऑफ और फायर को लेवल नौ में अपग्रेड किया नतीजतन अथर्व का लेवल अड़तीस से गिरकर सैंतीस हो गया हालांकि फ्लेम के एक्टिवेबल स्किल फायर के ऑरा में तुरंत सुधार हुआ पहले स्किल ने छह सेकंड के लिए तीस तीस गज की सीमा के भीतर केवल एक हजार परसेंट नुकसान पहुंचाया और पांच मिनट का कूलडाउन था इसके अपग्रेड के बाद इसने छह सेकंड के लिए पैंतालीस पैंतालीस गज की सीमा के भीतर पांच मिनट के कूलडाउन के साथ एक हजार दो सौ परसेंट नुकसान पहुंचाया हालांकि स्किल को दो स्तरों से अपग्रेड करने से इसकी क्षति बहुत अधिक नहीं बढ़ी स्किल की सीमा एक गुना बढ़ गई थी कौशल अब आधे से अधिक पहाड़ी रास्ते को कवर कर सकता है अचानक पहाड़ के रास्ते के बीच में एक नरकंकाल गर्जना करता है जमी हुई भूमि को झुलसा देने वाले नरक में बदल देता है यहां तक कि एक एंटी जिसने अपने सभी जीवन रक्षक कौशलों को सक्रिय कर लिया था वह भी इस नरक के अंदर केवल दो सेकंड तक ही रहा छह सेकंड बाद खिलाड़ियों के खाली एक बड़े क्षेत्र को प्रकट करने के लिए धुआं साफ हो गया लेकिन हथियारों और उपकरणों से अटे पड़े थे गिरी हुई वस्तुओं ने लगभग एक छोटा पहाड़ बना दिया सबसे कम मूल्यवान वस्तुएं स्तर पच्चीस रहस्यमय लौह उपकरण थीं यह अभी गॉड्स डोमेन के खिलाड़ियों के लिए मुख्य धारा का उपकरण था और प्रत्येक टुकड़ा कम से कम चालीस या पचास चांदी में बिक सकता था इस बीच लगभग पांच हजार उपकरणों ने मैदान को सजाया इसमें से अधिकांश खिलाड़ी फ्रॉस्ट ग्रेनेड हमले के तहत मारे गए खिलाड़ियों से गिर गए थे सिक्कों में परिवर्तित उपकरण का मूल्य कम से कम 2,500 स्वर्ण था इस बीच इस फसल के लिए केवल थोड़े समय के प्रयास की आवश्यकता थी अथर्व ने भी ढेर सारी अमर आत्माएं इकट्ठी की दस गज़ की सीमा के बावजूद अथर्व अभी भी कई सौ अमर आत्माओं को इकट्ठा करने में कामयाब रहा यदि उसने दस हज़ार आत्माएं एकत्रित की तो वह अपना शहर स्थापित करने के योग्य हो जाएगा एक शहर एक शहर से अलग था एक शहर का स्थान प्रणाली द्वारा पूर्व निर्धारित किया गया था दूसरी ओर खिलाड़ी चुन सकते हैं कि वे अपना शहर कहां बनाना चाहते हैं इसके अलावा एक कस्बे पर कब्जा करने के बाद किसी को कस्बे को खरोंच से फिर से बनाना था इसे धीरे धीरे एक शहर में विकसित करना था शामिल समय लंबा था दूसरी ओर शर्लिन की खोज अथर्व को शहर बनाने की योग्यता के साथ पुरस्कृत करेगी उससे पहले इस खोज को पूरा करने का सही मौका था अमर आत्माओं को इकट्ठा करने के लिए दो शर्तें थीं पहली शर्त दस गज की सीमा थी दूसरी स्तर की सीमा थी अथर्व और उसके शिकार के बीच पांच से ज्यादा लेवल नहीं हो सकते थे वर्तमान में स्टार एलायंस के एलीट कम से कम बत्तीस के स्तर पर थे इस बीच अथर्व अब सैंतीस के स्तर पर था बस इतना हुआ कि वह उनकी सभी अमर आत्माओं को अवशोषित कर सकता था अगर वह इस मौके से चूक गए तो उन्हें फिर से ऐसा कोई नहीं मिलेगा पहले पर्याप्त लोग नहीं थे अब जबकि इतने सारे यहां हैं मुझे पर्याप्त अमर आत्माएं मिलनी चाहिए सुदूर गैलेक्सी पास्ट की ओर देखते हुए अथर्व अपनी मुस्कान नहीं रोक सका अपने बैग से एक नीला मैजिक स्क्रॉल प्राप्त करते हुए उन्होंने विंड राइडर को सक्रिय किया और गिड लीडर की ओर दौड़ पड़े जब आग का तूफान जमीन से गुजरा तो उसने पहाड़ के रास्ते को आग की नदी में बदल दिया आग के अंदर खिलाड़ियों को राख में बदलते देख हर कोई हैरान रह गया यह जादू निश्चित रूप से डरावना है सौभाग्य से मैं अग्रिम पंक्ति के साथ नहीं था चांदी के भारी कवच में एक स्तर बत्तीस शीड योद्धा ने अपने सामने आग की लपटों को देखा वह अपनी जान गंवाने से बस एक धागा दूर था अगर उसने एक और कदम आगे बढ़ाया होता तो वह गार्जियन नाइट की तरह मर जाता जो एक सेकंड पहले उसके सामने था गार्जियन नाइट के पास बारह से अधिक एचपी था और इसमें प्रोटेक्शन ब्लेसिंग और मैजिक रेजिस्टेंस और सक्रिय था गार्जियन नाइट को एक मौलवी से क्रुत शील्ड और ओरेकल से डिफ़ेंस ब्लेसिंग भी मिला था फिर भी गार्जियन नाइट ने कहा कि सेकंड के मामले में अभी भी वाष्पित हो गया है Good. कोई इस ओर जा रहा है भारी बख्तरबंद शील्ड वॉरियर ने अचानक एक आकृति को सीधे उसके लिए चार्ज करते हुए देखा कोई वास्तव में हमें अकेले सामना करने की हिम्मत करता है भाइयों चलो उसे भाड़ में जाओ एक स्तर बत्तीस बरसरकर ने अपनी भारी तलवार उठाते ही झपकी ले ली बस सरकार को तुरंत अपने साथियों से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली उन सभी ने दुश्मन के पास आने का स्वागत करने के लिए एक रुख अपनाया दुश्मन द्वारा फ्रॉस्ट ग्रेनेड का उपयोग करने के बाद उनके साथ खिलवाड़ करने के बाद इन खिलाड़ियों के दिलों में नाराजगी भर गई अब जबकि एक मूर्ख ने उन पर आंख मूँडकर आरोप लगाया यह कुछ भाप छोड़ने का सही मौका था भारी बख्तरबंद शीड योद्धा ने धुएं में छिपी आकृति को देखने की कोशिश करते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं जब उसने अथर्व के सामान्य रूप को देखा तो वह चिल्लाया घबराया रुको मुझे लगता है कि यह ब्लैक फ्लेम है दर्जन भर बर्सर्कर्स और शीड वोर्स जिन्होंने चार्ज को सक्रिय किया था अपने झटके को रोक नहीं सके हालांकि जैसा कि उन्होंने पहले ही अपने कौशल को सक्रिय कर दिया था और अथर्व से केवल एक दर्जन या इतने गज की दूरी पर थे पीछे हटना अब कोई विकल्प नहीं था उनमें से हर एक ने अपने संकल्प को कड़ा कर दिया क्योंकि उन्होंने अथर्व पर अपने सबसे शक्तिशाली कौशल का लक्ष्य रखा था हालांकि अथर्व के लिए इन बेर्सकर्स और शीड वॉरियर्स की आक्रमण गति बहुत कम थी इसके अलावा ये दर्जन भर खिलाड़ी पहले ही अथर्व की सीमा में प्रवेश कर चुके थे अब जब अथर्व शून्य क्षेत्र में था तो उसकी धारणा ने उसे एक ही नज़र से इन दर्जन भर खिलाड़ियों के आक्रमण पथ को देखने की अनुमति दी अचानक अथर्व का फुटवर्क बदल गया ठंडी हवा की तरह वह पिंसर के हमले से बह गया जैसे ही उन्होंने इन खिलाड़ियों को पास किया उनके हाथ में किलिंगरे ने उनके शरीर पर चमकदार नीली रोशनी की कई धारियां छोड़ दीं दूसरी ओर किसी भी शत्रु की तलवार और कृपाण अथर्व को स्पर्श तक नहीं कर पाई सेकंड में एक दर्जन से अधिक प्लेट प्लेटक्वच वर्गों की मृत्यु हो गई प्रत्येक ने एक हथियार या उपकरण का टुकड़ा गिरा दिया क्योंकि वे जमीन पर गिर गए थे अथर्व के हाथ के निशान में एक दर्जन से अधिक अमर आत्माएं प्रवाहित हुई यदि इन लोगों को पता होता कि अथर्व को मारने वाले खिलाड़ी अपनी अमर आत्मा खो देंगे कुछ दिनों के लिए खेल में प्रवेश नहीं कर पाने के कारण सामान्य स्तर और कौशल प्रवीणता के नुकसान के अलावा वे शायद खुद को नदी में बलिदान कर देते अथर्व को उनके पास आने देने से पहले आग की यह संभव ही कैसे है स्टार अलायंस के सभी लोग जो थोड़ी दूर से देख रहे थे चकित रह गए क्योंकि अथर्व ने कुछ ही सेकंड में एक दर्जन से अधिक खिलाड़ियों को समाप्त कर दिया उन्होंने एक ऐसा वज़न महसूस किया जिसे उन्होंने कभी भी अपने ऊपर दबाने का अनुभव नहीं किया था जिसके परिणामस्वरूप उनकी सांसें बढ़ती जा रही थीं पहले वे केवल सोचते थे कि अथर्व अद्भुत और शक्तिशाली था हालांकि इस तरह की शक्ति उनके लिए कुछ भ्रामक थी वे इसे पूरी तरह नहीं समझ पाए हालांकि इस शक्ति का सामना करने के बाद ही उन्हें एहसास हुआ कि उनके और अथर्व के बीच कितना बड़ा अंतर था अब जब उन्हें अथर्व की असली ताकत का एहसास हुआ तो डर के मारे उनकी अपने हथियारों से पकड़ लगभग छूट गई और यद्यपि उन्होंने हिलने की कोशिश की न तो उनके हाथ और न ही उनके पैरों ने जवाब दिया अचानक सभी ने सोचा कि अथर्व को अंकों से अभिभूत करने का उनका पिछला विचार बचकाना था जब तक वे होश में आए अथर्व उनके सामने आ चुका था अगले ही पल उनके शरीर पर नीली रोशनी की असंख्य धारियां खिल गईं यकीनन बहुत सारे लोग हैं जैसे ही अथर्व ने स्टार एलायंस के सदस्यों की भीड़ को अपना रास्ता रोकते हुए देखा उसने किलिंगरे को उठा लिया और नीचे की ओर गिर गया थंडरिंग फ्लैश अचानक कई बिजली के झटके स्टार एलायंस के खिलाड़ियों की ओर फिसले हवा में चमकदार बिजली के आर्क को पीछे छोड़ते हुए एक ही चाल से अथर्व ने दर्जनों अमर आत्माएं प्राप्त कर लीं और अपने लिए एक रास्ता साफ कर लिया जब तक स्टार अलायंस के सदस्यों ने प्रतिक्रिया दी और अथर्व को घेरने और रोकने की कोशिश की तब तक वह भीड़ में घुस चुका था और कत्लेआम शुरू कर चुका था काटना पृथ्वी फाड़ने वाला थंडर ज्वाला विस्फोट स्काई व्हील तलवार अथर्व ने इतमीनान से एक के बाद एक स्टार अलायंस के जीवन की कटाई की अभिजात वर्ग के सदस्यों ने अथर्व पर सभी प्रकार के नियंत्रण कौशल फेंकने के बावजूद जिसने अंतरिक्ष की आभा को सक्रिय किया था इनमें से कोई भी नियंत्रण कौशल प्रभावी नहीं हुआ था जहां तक उस पर भेजे गए विभिन्न हमलों की बात है उसकी गति के साथ उनमें से कोई भी उसे मारने के करीब भी नहीं आया अक्सर देखने वालों ने शवों को हवा में उड़ते हुए देखा जो स्टार एलायंस की कुलीन सेना से दूर जमीन पर टकरा रहे थे देखने वाले दंग रह गए अथर्व के हमले ने न केवल स्टार एलायंस के आक्रमण को धीमा कर दिया था बल्कि उसने स्टार एलायंस के अभिजात वर्ग के एक बड़े हिस्से को भी मार डाला था अथर्व स्टार एलायंस की सेना को पार करते हुए उन्हें रोक नहीं पाया जैसा कि जीरो विंग के सदस्यों ने कत्लेम देखा जैसे ही वे आक्रामक में शामिल हुए उनकी लड़ाई की आत्माएं उनके भीतर जल उठी वह बहुत मजबूत है ब्लैक फ्लेम वास्तव में स्टार एलायंस के हमले को खुद रोक सकता है क्या वह एक खिलाड़ी भी है? दूर से देख रहे सीक्रेट पवेलियन के खिलाड़ी दंग रह गए अथर्व के हैरतंगेज प्रदर्शन ने पवेलियन की कई महिला खिलाड़ियों को भी जगा दिया दुश्मनों से घिरे होने के बावजूद न केवल अथर्व का तांडव बिना रुके जारी रहा बल्कि वह सीमित स्थान में सभी के हमलों को चकमा देने में भी सक्षम था यह कारनामा बेहद कठिन था सीक्रेट पवेलियन के विशेषज्ञ काफी आश्वस्त थे कि वे 100 सौ एलीट खिलाड़ियों को अकेले ही संभाल सकते हैं लड़ाई के दौरान वे अपने विरोधियों को फन करने के लिए इसका उपयोग करते हुए एक ही समय में सामना करने वाली संख्या को सीमित करने के लिए अपने झगड़े के लिए सबसे अनुकूल इलाके का चयन करने का प्रयास करेंगे इस तरह उनके पास हमलों से बचाव करने और चकमा देने के लिए बहुत आसान समय होगा हालांकि जब दुश्मन ने उन्हें घेर लिया तो बचाव और चकमा देने की कठिनाई तेजी से बढ़ गई मरने से पहले वे सबसे अधिक संभावना केवल एक क्षण तक रहेंगे यहां तक कि कोल्ड ऑटम जिसे नई पीढ़ी के जीनियस के रूप में जाना जाता था वह भी भाग्यशाली होगा यदि वह बीस सेकेंड भी टिके हालांकि अथर्व पहले ही एक मिनट से अधिक समय तक टिके रहे इसके अलावा उसे अभी तक कोई नुकसान नहीं हुआ था काला लौ अथर्व को देखते ही गैलेक्सी पास्ट का दिल जटिल भावनाओं से भर गया स्टार एलायंस की समग्र शक्ति ने स्पष्ट रूप से जीरो विंग को बड़े अंतर से पार कर लिया था एलायंस को विभिन्न गिल्डों से भी सहायता मिली थी उन्होंने एक ऐसी ताकत जमा कर ली थी जिसे जीरो विंग और ऑरोबोरोस संयुक्त रूप से भी नहीं हरा सकते थे फिर भी दिन के अंत में उसने कभी नहीं सोचा होगा कि इस युद्ध में जिसमें सैकड़ों हजारों संभ्रांत खिलाड़ी शामिल थे जीरो विंग ने परिणाम को पकड़ लिया केवल इसलिए हावी हो गया क्योंकि उनके पास अथर्व था किसी एक खिलाड़ी के लिए एक बड़े गिल्ड युद्ध के परिणाम को बदलना असंभव होना चाहिए था फिर भी इस समय वास्तव में वही हुआ था इसके अलावा यह वर्चस्व उनकी आंखों के ठीक सामने हुआ यह अब खत्म हो जाएगा गैलेक्सी पास्ट की आंखों में हत्या का इरादा चमक गया क्योंकि उसने अपनी महान तलवार उठाई और अथर्व पर चिल्लाते हुए कहा हर कोई उस पर एक जैसा हमला करो यहां तक कि क्वाइलाइट इको के गिल्ड लीडर ग्लोरियस एको ने भी कार्रवाई की सौ से अधिक विशेषज्ञ भी चुपके से अथर्व की पीठ पर चढ़ गए गैलेक्सी पास्ट आखिरकार इसे सहन नहीं कर सकता युवान टाइक्सिन मुस्कुराए बिना नहीं रह सका और उसने गैलेक्सी पास्ट देखा जो अथर्व पर झपटा हालांकि अथर्व के लिए स्टार एलायंस की सेना का सफाया करना असंभव था भले ही गैलेक्सी पास्ट ने तलवार चलाने वाले को ऐसा करने से एलायंस के मनोबल को गंभीर रूप से चोट पहुंचाई हो अगर गैलेक्सी पास्ट ने अथर्व के अनर्गल वध को नहीं रोका तो उनके गिल्ड के कुलीन सदस्यों की राय नीचे गिर सकती है जब औरबोरोस की सेना आएगी तो स्टार एलायंस वास्तव में समाप्त हो जाएगा हालांकि इस अवसर के साथ युआन टाइक्सिन को अंत अथर्व की सीमाएं दिखाई देंगी स्काई और रेड फेदर के खिलाफ लड़ाई के दौरान अथर्व ने अपनी लड़ाकू शक्ति में तेजी से सुधार दिखाया था प्रारंभ में युआन टाइक्सिन ने केवल यह सोचा था कि स्काई और रेड फेदर के खिलाफ अथर्व का शानदार प्रदर्शन उनके जबरदस्त गुणों का परिणाम था हालांकि अथर्व को इलीट लोगों से घिरे रहने के बाद इतने लंबे समय तक देखने के बाद भी कोई नुकसान नहीं हुआ यह अब बेहतर गुणों का मामला नहीं था शून्य दायरे में कदम रखे बिना जिसने किसी को अपने पर्यावरण को समझने की इजाज़त दी जैसे कि वह अपने शरीर का हिस्सा था पीछे से आने वाले इतने सारे जादू और तीर के हमलों को चकमा देना असंभव था युआन टाइक्सिन को अचानक कुछ ऐसा महसूस हुआ जिससे उसकी त्वचा रेंगने लगी गुप्त मंडप ने जीरो विंग के गिड लीडर फ्लेम के बारे में बहुत सारी जानकारी एकत्र की थी युआन टाइक्सिन ने खुद ब्लैक फ्लेम पर रिपोर्ट कई बार पढ़ी थी शुरुआत में ब्लैक फ्लेम ने एक जालसाज के रूप में अपनी पहचान के माध्यम से स्टारमोन किंगडम में अपनी प्रसिद्धि प्राप्त की खुद को स्टारमोन किंगडम के चीफ फोर्जर का खिताब अर्जित किया हालांकि जैसे ही ब्लैक फ्लेम युद्ध में दिखाई देने लगी सब कुछ बदल गया ब्लैक फ्लेम ने अपने दुश्मनों को हराने के लिए पूरी ताकत पर भरोसा किया था एक ही बार से अपने शत्रुओं का वध करने की उपलब्धि से उसने एक बार असुर की उपाधि प्राप्त की थी हालांकि ब्लैक फ्लेम का प्रदर्शन उनके उत्कृष्ट उपकरण और बहुत उच्च बुनियादी विशेषताओं का परिणाम था जहां तक युद्ध के मानकों की बात है वह आम जनता की नजर में केवल एक शीर्ष स्तरीय विशेषज्ञ थे जब मुकाबला मानकों की बात आई तो वह कोल्ड ऑटम का मुकाबला भी नहीं कर पाए थे वह युद्ध के अनुभव के धनी व्यक्ति थे वह ईश्वर के क्षेत्र की प्रमुख शक्तियों का ध्यान अपनी ओर नहीं खींच सका फिर भी जैसा कि उन्होंने अधिक लड़ाइयों में भाग लिया ब्लैक फ्लेम के युद्ध मानक ने जनता को बार बार आश्चर्यचकित किया वह आधे चरण के शुद्धिकरण क्षेत्र से पूरी तरह से शुद्धिकरण क्षेत्र तक पहुंच गया था फिर बहते जल क्षेत्र में भी प्रवेश कर गया था जैसे जैसे उनकी लड़ाई की संख्या बढ़ती गई ब्लैक फ्लेम की क्षमता बढ़ती गई अब वह शून्य क्षेत्र में पहुंच गया था युआन टाइक्सिन ने यह मानने से इनकार कर दिया कि ब्लैक फ्लेम की लड़ाई सिर्फ नाटक थी इसके अलावा जिन विशेषज्ञों ने शोधन के क्षेत्र में कदम रखा था उनका अपना गौरव था वे किसी कमजोर से निपटने के लिए अपनी ताकत को नहीं दबाते थे इसका कोई मतलब नहीं था चूंकि यह कोई कार्य नहीं था युवान टाइक्सिन केवल एक ही संभावना के बारे में सोच सकता था जीरो विंग के गिड लीडर फ्लेम ने बेहद भयानक गति से सुधार किया था ब्लैक फ्लेम के मूल गुणों की भयावहता की तुलना में उसकी वृद्धि वास्तव में लोगों को भयभीत कर रही थी सीक्रेट पवेलियन ने कोल्ड ऑटम को जीनियस माना क्योंकि वह युवा था इसके अलावा एक वर्ष से भी कम समय के लिए मंडप के साथ प्रशिक्षण के बावजूद वह पहले से ही आधे चरण के शोधन दायरे में पहुंच गया था और किसी भी समय शुद्धिकरण क्षेत्र में प्रवेश कर सकता था कोल्ड ऑटम का विकास युआन टाइक्सिन की तुलना में भी तेज था जब वह छोटा था लेकिन ब्लैक फ्लेम का क्या गॉड्स डोमेन को लॉन्च हुए कितना समय हो चुका है दो महीने से भी कम समय में ब्लैक फ्लेम एक ऐसे व्यक्ति से चला गया जो एक आधाचर शोधन क्षेत्र विशेषज्ञ भी नहीं था वह एक सच्चे शून्य क्षेत्र विशेषज्ञ बन गया क्या वह अब भी इंसान था यहां तक कि मार्शल ड्रैगन जिसे ड्रैगन फिनिक्स मंडप ने एक प्रतिभा माना था जो हर दस साल में केवल एक बार दिखाई देता था ब्लैक फ्लेम के लिए एक मैच नहीं होगा भविष्य में ब्लैक फ्लेम वर्चुअल गेमिंग दुनिया के राक्षसों में से एक बन सकता है इस बात को ध्यान में रखते हुए युआन टाइकसिन ने फैसला किया कि भले ही जीरो विंग को इस युद्ध में हार का सामना करना पड़े वह गिल्ड के साथ जुड़ने का अवसर लेते हुए स्टोन फॉरेस्ट टाउन को सुरक्षित करने में जीरो विंग की सहायता करने की पेशकश करेगा गॉड्स डोमेन एक आभासी वास्तविकता खेल के रूप में बड़े पैमाने पर था यह उन वर्चुअल रियलिटी गेम्स से अलग था जो उन्होंने अतीत में देखे थे यहां तक कि एक सुपर गिल्ड को भी खेल पर एकाधिकार करने के विचार पर विचार नहीं करना चाहिए इसके अलावा वर्चुअल गेमिंग की दुनिया का पानी अपेक्षाकृत गहरा था अब जबकि विभिन्न प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय निगमों ने भी इसमें कदम रखा है वर्चुअल गेमिंग की दुनिया कहीं अधिक जटिल हो गई थी यदि गुप्त मंडप जीरो विन जैसा शक्तिशाली सहयोगी प्राप्त कर सकता है तो इससे भविष्य में मंडप के विकास को लाभ होगा मंडप अधिक अवसरों को जब्त कर सकता है और एक मजबूत प्रभाव प्राप्त कर सकता है जिस तरह युआन ताइक्सिन ने सीक्रेट पवेलियन और जीरो विंग के बीच संबंध को मजबूत करने की साजिश रची उसी तरह सौ से अधिक आंकड़े आश्चर्यजनक गति के साथ अथर्व के पास पहुंचे मैं उसका ध्यान रखूंगा हमला करने का अवसर खोजें अथर्व के पास पहुंचते ही गैलेक्सी पास्ट ने टीम चैट के जरिए कमान संभाली इसके बाद उन्होंने अपने बैग से एक गहरे नीले रंग की औषधि निकाली अथर्व कुलीन खिलाड़ियों से घिरे होने के बावजूद सापेक्ष आसानी से लड़ने में सक्षम हो सकता है लेकिन यह एक अलग कहानी होगी यदि वह विशेषज्ञ खिलाड़ियों से घिरा हो संभ्रांत खिलाड़ियों के लिए अपने आभासी शरीर को अपनी सीमा तक धकेलना बेहद मुश्किल था हालांकि यह विशेषज्ञों के लिए कोई मुद्दा नहीं था वे इतनी आसानी से कर सकते थे स्वाभाविक रूप से अथर्व को संभ्रांत खिलाड़ियों से कोई परेशानी नहीं थी अगर वह अपने पास मौजूद हर चीज़ से लड़ता हालांकि यह उन विशेषज्ञों के खिलाफ एक बहुत अलग कहानी थी जिन्होंने खुद को अपनी सीमा तक धकेला ब्लैक फ्लेम मैं आपको सिखाऊंगा कि पहले दर्जे के गिल्ड से निपटना आसान नहीं है गैलेक्सी पास्ट चिल्लाया फिर उसने गहरे नीले रंग की औषधि को अपने गले के नीचे फेंक दिया उसी समय उन्होंने अपने निडर कौशल वारगौर पोजिशन को सक्रिय किया अचानक उसका शरीर न केवल एक आकार बड़ा हो गया बल्कि इसने एक शानदार सुनहरी चमक भी छोड़ी उनकी आभा एक भगवान रैंक के राक्षस से भी अधिक मज़बूत थी और इस अचानक परिवर्तन ने स्टार एलायंस की सेना के माध्यम से सदमे की लहर भेज दी चूंकि विभिन्न संघों ने जीरो विंग के निडर कौशल के बारे में सीखा था इसलिए उन्होंने स्वयं को इकट्ठा करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी गैलेक्सी पास्ट ने पूरी गेड की ताकत को भी जुटा लिया था और वारगड़ पोजिशन बेरसक स्किल हासिल करने के लिए कई हजार अभिजात वर्ग के खिलाड़ियों को खो दिया था जिसका सपना सभी बरसरकर्स ने देखा था वारगॉड़ कब्जा एक टीयर एक टैबू स्किल था इसके प्रभाव सामान्य टीयर दो निडर कौशल को भी टक्कर दे सकते हैं इसके अलावा बरसर कर वर्ग के लिए कौशल बहुत अच्छी तरह से अनुकूल था सक्रियण पर इसने तुरंत उपयोगकर्ता की शक्ति को 150 परसेंट अन्य सभी विशेषताओं को 80 परसेंट और रक्षा को 200 परसेंट तक बढ़ा दिया इसके अलावा उपयोगकर्ता के पास जितना कम एज होगा उपयोगकर्ता को उतना ही अधिक स्ट्रेंथ बोनस प्राप्त होगा स्किल की एकमात्र कमी इसकी बीस सेकंड की छोटी अवधि थी एक बार वे बीस सेकंड बीत जाने के बाद उपयोगकर्ता एक घंटे के लिए कमजोर अवस्था में प्रवेश करेगा द स्किल में 24 घंटे का कूलडाउन भी था यह एक निषिद्ध कौशल था जिसका उपयोग केवल सबसे महत्वपूर्ण क्षणों के दौरान ही किया जाना चाहिए हालांकि डरावने गुणों वाले अथर्व से निपटने के लिए गैलेक्सी पास्ट के पास इस निडर कौशल को सक्रिय करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था बीमा के रूप में गैलेक्सी पास्ट ने एक्सट्रीम स्पीड पोषण पिया एक दुर्लभ उच्च स्तरीय पोषण जिसे उसने एक खोज से प्राप्त किया था पोषण ने एक घंटे के कूलडाउन के साथ 30 सेकंड के लिए गति को 100 परसेंट और हमले की गति को 150 परसेंट बढ़ा दिया वार्गोर पोजेशन और एक्सट्रीम स्पीड पोर्शन के प्रभाव से अथर्व को मारना पूरी तरह से असंभव नहीं था इसके अलावा कुछ समय पहले ही अथर्व ने अपने निडर कौशल का इस्तेमाल किया था वर्सक स्किल्स में आमतौर पर बहुत लंबे कूलडाउन होते हैं अथर्व को आखिरी बार इस्तेमाल किए हुए अभी कुछ ही समय हुआ था उनके निडर कौशल के लिए पहले से ही ठंडा होना असंभव था स्किल के बिना भले ही अथर्व के गुण अधिक शक्तिशाली थे वह गैलेक्सी पास्ट के लिए एक मैच नहीं था जिसने टियर एक टैबू स्किल को सक्रिय किया था काला लॉ अब समय आ गया है कि आप जान लें कि अपनी विशेषताओं से अभिभूत होकर कैसा महसूस होता है गैलेक्सी पास्ट सक्रिय चार्ज और अथर्व के सामने भूत की तरह प्रकट हुआ एक वेशपूर्ण मुस्कान के साथ उन्होंने अपनी डार्क गोल्ड रैंक की महान तलवार वेपिंग सिल्वर को हिंसक रूप से नीचे गिरा दिया बूम जब व्पिंग सिल्वर उतरा तो एक विस्फोट से क्षेत्र दहल उठा तलवार के लंबे निशानों को प्रकट करते हुए अथर्व के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई एक स्तर बत्तीस शीड योद्धा जो गलती से तलवार की आभा से टकरा गया था ने तुरंत अपनी जान गँवा दी गैलेक्सी पास्ट की भयानक शक्ति ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया गैलेक्सी पास्ट के प्रदर्शन ने इसे देखने वाले हर खिलाड़ी को चौंका दिया किसी ने कभी नहीं सोचा था कि गैलेक्सी पास्ट इतना शक्तिशाली होगा न केवल उसकी शक्ति अतुलनीय थी बल्कि वह इतना तेज भी था कि जब वह चलता था तो लोग केवल उसकी एक झलक देखते थे वायलेंट स्ट्राइक का उपयोग करने के बावजूद सबसे आम बेर्सकर स्किल्स में से एक उसने एओ अटैक स्किल की तुलना में अधिक शक्ति प्रदर्शित की यहां तक कि समान स्तर का भगवान भी ऐसी विनाशकारी शक्ति के सामने पीला पड़ जाएगा ब्लैक फ्लेम इस बार सुनिश्चित हो गया है इस दृश्य ने स्टार अलायंस की हारे हुए मिजाज को दूर कर दिया जैसा कि स्टार एलायंस के गिड लीडर से उम्मीद की जाती है उसने वास्तव में इस तरह के कार्ड को इतनी अच्छी तरह छुपाया था गौरवशाली प्रतिध्वनि भी प्रभावित हुई हालांकि उसके पास उसका तुरुप का पत्ता था यह गैलेक्सी पास्ट से थोड़ा हीन था इतनी ताकत और तेज़ी के साथ भले ही ब्लैक फ्लेम अचानक झटका लगने से नहीं मरा लेकिन वह गंभीर रूप से घायल हो जाएगा लगभग सौ विशेषज्ञ खिलाड़ियों ने यह सोचकर अपने कदमों को शांत कर दिया कि लड़ाई समाप्त हो गई है कि अब उनकी मदद की आवश्यकता नहीं है जब धूल जम गई हालांकि एक आदमी एक काला लबादा पहने और एक पन्ना लंबी तलवार लेकर गैलेक्सी पास्ट के सामने खड़ा था अहानिक उसने इसे अवरुद्ध कर दिया कैसे सभी के जबड़े लगभग जमीन पर गिर गए अथर्व ने वास्तव में गैलेक्सी पास्ट के हमले को रोक दिया था जो कि लॉर्ड्स से अधिक मजबूत था सभी ने सोचा था कि अथर्व हमले से बच जाएगा लेकिन अथर्व अपनी तलवार से उसे रोक देगा यह कभी नहीं सोचा था इसके अलावा अथर्व अभी भी सकुशल था केवल उसके पैरों के नीचे की जमीन फटी थी हर दिशा में पांच गज की दूरी पर फैली दरारें जमीनी स्थिति से वे जानते थे कि गैलेक्सी पास्ट का हिंसक हमला कितना भारी था इतना अपार बल अथर्व ने महसूस किया कि किलिंगरे को पकड़ने वाला उसका हाथ सुन्न हो गया है हालांकि उन्होंने अपने ऊपर गैलेक्सी पास्ट चार्ज को महसूस किया था लेकिन उन्होंने बरसरकर की ताकत और गति में इतनी वृद्धि की उम्मीद नहीं की थी उस तरह की गति से चकमा देने में बहुत देर हो चुकी थी यदि उनके पर्यावरण के तेज होने की उनकी धारणा के लिए नहीं तो उन्होंने गैलेक्सी पास्ट के हमले को रोकने के लिए पैरी को समय पर मार नहीं दिया होता पैरी को एक तलवारबाज के जीवन रक्षक कौशल में से एक माना जाता था यह उपयोगकर्ता के आगे से आने वाली क्षति के एक उदाहरण को बेअसर कर सकता है हालांकि उपयोगकर्ता प्रभाव से मुक्त नहीं होगा अगर गैलेक्सी पास्ट के हमले ने अथर्व के शरीर पर हमला किया होता भले ही उसकी उच्च रक्षा और उसका एचपी 14,500 से अधिक हो तो उसकी मृत्यु नहीं होती लेकिन उसके पास ज्यादा एचपी भी नहीं बचा होता मैं देखना चाहता हूं कि आपके पास कितने जीवन रक्षक कौशल हैं यह देखते हुए कि उनका आश्चर्यजनक हमला विफल हो गया था गैलेक्सी पास्ट ने वेपिंग सिल्वर को घुमाया और हॉरिजोंटल स्लैश को अंजाम दिया हॉरिजोंटल स्लैश में न केवल वायलेंट स्ट्राइक की तुलना में बड़ी हमले की सीमा थी बल्कि यह काफ़ी तेज़ भी थी एक्सट्रीम स्पीड पोषण से बूस्ट के साथ विपिंग सिल्वर सिल्वर लाइट की एक लकीर में तब्दील हो गया क्योंकि यह अथर्व की ओर बढ़ा गैलेक्सी पास्ट ने अपनी सुरक्षा की पूरी तरह से अवहेलना की हमला करते समय सभी प्रकार की कमजोरियों को प्रकट किया वह अथर्व को हिट के बदले हिट देने का पूरा इरादा रखता था जवाब में अथर्व ने साइलेंट स्टेप्स का इस्तेमाल किया और भस्म करने वाली सफेद रोशनी से परहेज किया गैलेक्सी पास्ट के पीछे फिर से प्रकट होते हुए उन्होंने किलिंगरे को बेर्सकर पर नीचे गिरा दिया एक कौशल का उपयोग करते समय खिलाड़ी कमज़ोर बिंदुओं को प्रकट करने के लिए अति संवेदनशील होते थे यदि वे कौशल के आंदोलनों में निपुण नहीं होते गैलेक्सी पास्ट ने खुद इसका अनुभव किया इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिकअब्लू लाइट की एक लकीर में बदलते हुए किलिंगरे भयावह गति के साथ उतरे भले ही गैलेक्सी पास्ट ने हमले को रोकना चाहा हो तब तक बहुत देर हो चुकी थी हालांकि जैसे कि उसने इसकी उम्मीद की थी गैलेक्सी पास्ट ने तुरंत अपनी महान तलवार से घूमते हुए बवंडर स्लैश को अंजाम दिया उसने अपनी ओर आ रही नीली बत्ती को नजरअंदाज कर दिया पूरी तरह से क्षति के लिए व्यापार क्षति का इरादा रखता था ताकत के मामले में गैलेक्सी पास्ट का पूर्ण लाभ था इसलिए यदि वे मारपीट करते हैं तो गैलेक्सी पास्ट विजयी होगा गैलेक्सी पास्ट की इच्छा पूरी करने का अथर्व का कोई इरादा नहीं था एक विचार के साथ उसने रक्षात्मक ब्लेड को सक्रिय किया बूम नीली बत्ती गैलेक्सी पास्ट के शरीर में जा घुसी जिससे बेर्सकर के एचपी का 2300 से अधिक चोरी हो गया इस बीच हालांकि वेपिंग सिल्वर ने अपनी छाप छोड़ी अथर्व के रक्षात्मक ब्लेड ने क्षति को रोक दिया इतना उच्च रक्षा अथर्व ने अपनी जीभ क्लिक की उन्होंने एपिक वेपन किलिंग रे को उतारा उनकी एक हाथ वाली तलवार की महारत यहां तक कि बेसिक्स वार्ड किंग मानक तक पहुंच गई थी जिसने एक हाथ वाली तलवार से उनकी क्षति को अस्सी परसेंट तक बढ़ा दिया था वह आसानी से एक ही हिट के साथ समान स्तर के कपड़ाकवच वर्ग को समाप्त कर सकता था फिर भी उनके हमले ने केवल दो तीन के आसपास नुकसान पहुंचाया था गैलेक्सी पास्ट में वर्तमान में इक्कीस हजार एचपी था अथर्व के अकेले हमले ने उसके एचपी के दसवें हिस्से से थोड़ा ही अधिक खा लिया था जिस तरह अथर्व का इरादा कुछ और हिट हिट करने का था उसने देखा कि एक गार्जियन नाइट का प्रोटेक्शन ब्लेसिंग अचानक गैलेक्सी पास्ट को घेर रहा है एक मौलवी की क्रुतशील्ड और एक ओरेकल की रक्षा आशीर्वाद भी बेस्कर के ऊपर गिर गया एक हीलिंग लाइट ने गैलेक्सी पास्ट के सिर को छुआ तुरंत उसके एचपी को पूर्ण रूप से ठीक कर दिया जल्दी से अथर्व ने किलिंग रे की ब्रांडिंग की और हमलों की झड़ी लगा दी हालांकि वह जो कुछ भी करने में कामयाब रहा वह शील्ड को चकनाचूर कर दिया वह अभी भी रक्षा आशीर्वाद को चकनाचूर करने से कम था एक दैवज्ञ का रक्षा आशीर्वाद और एक मौलवी का सत्य कवच अलग थे शील्ड लक्ष्य के पूरे शरीर की रक्षा कर सकता है और ढलाईकार का मन निर्धारित करता है कि यह कितना नुकसान अवशोषित कर सकता है दूसरी ओर डिफेंस ब्लेसिंग केवल एक दिशा से आने वाले हमलों को रोक सकती थी हालांकि लक्ष्य की अधिकतम एचपी निर्धारित करती है कि यह कितना नुकसान अवशोषित कर सकता है एक टियर एक रक्षा आशीर्वाद लक्ष्य के अधिकतम एचपी के 30 परसेंट के बराबर क्षति को अवशोषित कर सकता है चूंकि गैलेक्सी पास्ट में इक्कीस हजार एचपी था इसलिए उस पर एक रक्षा आशीर्वाद छह से अधिक क्षति को अवशोषित कर सकता था अथर्व की भौहें तन गई वे वर्तमान में स्टार एलायंस के सदस्यों से घिरे हुए थे अगर अथर्व एक कुलीन एमपी का सामना कर रहे थे भले ही एमपी सक्रिय शेल्ड वॉल कहा जाए तो उन्हें विश्वास था कि वह उपचारकर्ताओं को उन्हें ठीक करने का मौका दिए बिना एमपी को जल्दी से खत्म कर सकते हैं अब हालांकि गैलेक्सी पास्ट का बचाव बहुत अधिक था बर्सरकर का एचपी भी बढ़कर इक्कीस हजार हो गया था और उसे प्रोटेक्शन ब्लेसिंग से नुकसान में कमी आई थी इससे पहले कि चिकित्सक उसके एचपी को बरामद कर लें गैलेक्सी पास्ट को मारना व्यावहारिक रूप से असंभव था हालांकि इस स्थिति ने अथर्व को परेशान कर दिया लेकिन गैलेक्सी पास्ट हैरान रह गया आखिरकार उन्हें एहसास हुआ कि उनके और अथर्व के बीच कितना बड़ा फासला है अथर्व की आक्रमण शक्ति बहुत अधिक थी वारगौड़ के कब्ज़े ने गैलेक्सी पास्ट की रक्षा को 200 परसेंट बढ़ा दिया था यह प्रभावशाली होगा यदि विशेषज्ञ बरसरकर्स उसे लगभग 900 सौ क्षति से निपट सकते हैं फिर भी अथर्व ने एक ही हमले में दो तीन से अधिक क्षति का सामना किया था जो उन विशेषज्ञ बरसरकर्स की तुलना में लगभग तीन गुना अधिक था यदि आसपास के विशेषज्ञों की सहायता के लिए नहीं तो वह उस एक्सचेंज से अपने एचपी के करीब आधा खो सकता था गैलेक्सी मैं आपकी मदद करूंगा ग्लोरियस एक्ो ने यह भी देखा था कि लड़ाकू मानकों के मामले में गैलेक्सी पास्ट और अथर्व के बीच कितना बड़ा अंतर था आसपास के विशेषज्ञों की मदद से भी अथर्व को नीचे गिराना आसान नहीं होगा इसलिए एक अतिरिक्त सावधानी के रूप में ग्लोरियस एक्ो ने अपने निडर कौशल को भी सक्रिय कर दिया उसके गुण तुरंत बढ़ गए हालांकि उनका स्किल इविल गॉड्स पावर गैलेक्सी पास्ट के वार्गौर पॉजिशन से तुलना नहीं कर सकता था फिर भी यह एक बहुत ही दुर्लभ बेरसक स्किल था इसके अलावा ग्लोरियस एक्को एक ढाल योद्धा था उनका सामान्य एचपी पहले से ही तेरह हजार के करीब था बर्सर्क स्केल को सक्रिय करने के बाद उनका एचपी बढ़कर छब्बीस हजार से अधिक हो गया उन्होंने एक खूनी म्यामा भी विकीर्ण किया जिसने उनके शरीर के चारों ओर रक्त कवच की एक धुंधली परत बना दी जिससे उनकी रक्षा में काफी वृद्धि हुई ग्लोरियस एको ने फिर एक टीयर दो ब्लू मैजिक स्क्रॉल का खुलासा किया और इसका इस्तेमाल किया बिजली की गति टीयर दो मैजिक स्क्रॉल 30 सेकंड के लिए लक्ष्य की गति को 80% परसेंट हमले की गति को 120% परसेंट और क्षति को 20% परसेंट तक बढ़ा देता है स्टैक नहीं किया जा सकता कूलडाउन एक घंटा जब स्टार एलायंस के सदस्यों ने गिल्ड के दो नेताओं को अपने निडर कौशल को सक्रिय करते देखा तो उनका आत्मविश्वास बढ़ गया कुछ ही दूरी पर विशेषज्ञ खिलाड़ियों ने दो गिड लीडर्स का समर्थन करना शुरू कर दिया जो बफ और हील कास्टिंग कर रहे थे इस समय गैलेक्सी पास्ट और ग्लोरियस एक्ो को मारना व्यावहारिक रूप से असंभव था ब्लैक फ्लेम आज वह दिन होगा जब तुम मरोगे ग्लोरियस एक्ो ने चार्ज का इस्तेमाल किया एक जस्टिस दहाड़ के साथ और एक चमकदार चमक जारी करते हुए उसने अथर्व को उस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर किया यदि वह नहीं करता तो ग्लोरियस एक्ो की ताकत और गति में काफी वृद्धि हो जाती और अथर्व को मारना बहुत आसान हो जाता फिर भी जैसे ही ग्लोरियस एको अथर्व के सामने पहुंचा उसने पाया कि अथर्व मुस्कुरा रहा था उस मुस्कान ने उसे दो बातें बताईं सब कुछ अथर्व के नियंत्रण में था और वे मूर्खतापूर्वक अथर्व के जाल में कूद गए थे स्वर्गीय ड्रैगन की शक्ति अचानक कई सुनहरे ड्रैगन तराजू ने अथर्व के शरीर को ढक लिया उसकी आभा की ताकत तेजी से बढ़ रही थी ऐसा लगा जैसे उन्होंने एक प्राचीन जानवर को जगाया हो और जब यह आभा उन पर छा गई तो कोई मदद नहीं कर सकता था लेकिन कांप रहा था